हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के हमारे सेशन में। आइडिया नो आइडिया बहुत सुंदर एक टॉपिक है, और अगर जिस स्पिरिट में प्रभु जी ने समझाया मुझे, उस स्पिरिट में अगर मैं आपको समझा पाया तो हमारा फीडबैक होगा व्हाट एन आइडिया सर जी। एक वो आइडिया आता था व्हाट एन आइडिया सर जी। तो बहुत सुंदर ये टॉपिक है, और क्योंकि थोड़ा गूढ़ है ये, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग अपनी ब्रेन एक्सरसाइज, अपनी इंटेलिजेंस की थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। तो आप लोग बताइए कि क्या आपको लगता है हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज। मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल अबाउट टू क्रिएट आइडियाज। ओके, मृत्यु के बाद क्या होगा? नो आइडिया। ओके, वी हैव आइडिया फॉर सेंस एंजॉयमेंट बट नो आइडिया फॉर सोल्स एंजॉयमेंट। अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। भक्ति इज द बेस्ट आइडिया बट दे डू नॉट हैव अनलिमिटेड आइडिया, अल्टीमेट आइडिया, स्पिरिचुअल आइडिया। ओके, तो आप लोगों के बहुत अच्छे हैं, सबके सुंदर रिप्लाई, और आप लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। आगे तो हम लोग इसको बढ़ाते हैं सेशन को। तो एक्चुअली बात ये हो रही है साकार और निराकार स्वरूप की, भगवान के साकार स्वरूप और निराकार स्वरूप। ओके, प्रभु जी हम बेचार के आइडिया बनाते हैं बस पता नहीं। ओके, तो साकार निराकार स्वरूप की बात हो रही है। आप सबका धन्यवाद, सबने सुंदर पार्टिसिपेट किया। तो परम सत्य है कि कोई है जो सबको, इस पूरे जगत को चलायमान किए हुए हैं। कोई है जो हम सबसे सर्वोपरि है, कोई है जिसका हम सब पे नियंत्रण है, उस परम सत्य का है ना। अभी हम कृष्णा में नहीं जा रहे हैं, अभी हम ऊपर जनरल एक बात कर रहे हैं कि उस परम सत्य का कोई साकार रूप है या निराकार स्वरूप है। बेसिक डेफिनेशन हम जानते हैं, साकार का मतलब होता है स्पेसिफिकेशंस, ठीक है ना। जैसे हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं, मेरी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, मैं 6 फुट का हूँ, ठीक है, मैं 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, बाल हैं थोड़े मोड़े, ठीक है, पैर हैं लंबे लंबे, तो वगैरह वगैरह। तो ये साकार का स्पेसिफिकेशंस होता है, हर चीज इसमें निश्चित होती है, डेफिनेट होती है, पूरा पूरा आइडिया होता है। लेकिन निराकार में क्या है? निराकार में कोई आइडिया नहीं है। परम भगवान निराकार है, वो सर्वत्र विराजमान है, वो सर्वव्यापी है, पर दिखता कैसा है? मैं समझूं कैसे इसको, कंसीव कैसे करूं? कोई बच्चा पूछे किसी निराकारवादी बाबा से कि बाबा आपकी बात सारी सही है पर दिखते कैसे, मैं कंसीव कैसे करूं, कंसीव करना तो बताओ। तो बोलेगा नहीं आइडिया, नो आइडिया सर जी, आइडिया ही नहीं है, ब्लैंक हो जाएगा, कोई जवाब नहीं है ना इन चीजों का, क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये बातें, ऊपर ऊपर की बातें, कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं होना, वास्तव में किसी भी जीव को तुष्टि पुष्टि नहीं दे सकते। हाँ, शांति मिल सकती है कुछ समय के लिए, है ना, कि ब्रह्म में ध्यान लगाने से, ओम शांति वाले, है ना, ओम शांति वाले होते हैं ना, कि आपको शांति मिलेगी। आओ तो निराकार ब्रह्म में, ब्रह्म का मतलब है, सब जानते हैं ऑलमोस्ट, हम लोग इतनी क्लासेस कर चुके हैं, ब्रह्म का मतलब एक प्रकाश का पुंज, बहुत बड़ा तेज, ज्योति, ठीक है, या बिंदी, ठीक है, शून्य, उसके अंदर ध्यान को लगाना। तो कई संस्थाएं, कई निराकारवादी क्लेम करते हैं कि आपको शांति मिलेगी, निराकार ब्रह्म में शांति मिलेगी। मिलती भी है, क्यों मिलती है? क्योंकि जो हमारा क्षणिक ध्यान लगता है, हमने प्रयास किया मन को रोकने का, तो मन का विचलन जो होता है, हमें पता है हमारे मन विचलित रहते हैं, अशांत, विचलित से क्या होता है, अशांत हो जाते हैं। जो चीज ज्यादा हिलती है अशांत हो जाती है, जैसे पृथ्वी हिलने लग जाए अचानक, तो अशांति नहीं फैल जाएगी, भागो भागो भूकंप आया, तो वैसे ही मन भी हमेशा अशांत रहता है, भागम भाग करता रहता है, विचलित रहता है, इसलिए हम अशांत रहते हैं। लेकिन जब निराकारवाद में, ब्रह्म में ध्यान लगाते हैं, तो मन को क्योंकि रोक लिया, तो अपने आप ऑटोमेटिकली शांति मिल जाती है। लेकिन क्योंकि वहां पे इसके फर्दर कोई आइडिया नहीं है, इसलिए वहां पे फिर शांति का अगला स्टेप, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हमें चाहिए, आनंद का आस्वादन, वो नहीं मिलता। लेकिन साकार में, क्योंकि भगवान का आइडिया है, कंप्लीट आइडिया है, तो फिर आनंद का आस्वादन बहुत सुंदर होता है। जैसे राम मंदिर बना, सबने कितना आनंद लिया। अभी आप सोचो, इतने भव्य तरीके से निराकार निर्विशेष ब्रह्म का मंदिर बनाया जाता, तो क्या रिएक्शन रहे होते लोगों के, आप इमेजिन करके सोचो। कोई आनंद नहीं आ रहा, ना किसी के आंसू बहते आनंद में, आंसू क्यों बहेंगे, आंसू नासू नहीं बहते, ठीक है, सब चले गए, फीता काट दिया, अंदर गए, जैसे वो दिल्ली में लोटस टेम्पल है। तो अभी अभी हमको बिल्कुल आइडिया नहीं था जब हम गए कि
कि इसमें क्या है क्या नहीं है, हमने सुना बस ये टेम्पल है और दिखने में बाहर है भी बहुत सुंदर। तो जब अंदर गए, बड़ी मेहनत से लाइन में लग लगा के अंदर पहुंचे, पूरे दुनिया से पूरे भारत से लोग आते हैं, पहुंचे अंदर, अंदर जाके देखो खाली कुछ नहीं, निराकार निर्विशेष, सबको चुप करा के बैठा रहे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ध्यान लगाओ। तो क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन जो राम मंदिर बना तो सब सब जीवों के भाव जो है, जो वहां पे उपस्थित थे, जो नहीं थे, जो टेलीकास्ट देख रहे थे, भाव आंखों से छलकने लगे, क्योंकि ये हाईएस्ट स्टेज है, यहाँ पे कंप्लीट आइडिया है। जब कंप्लीट आइडिया होता है तो फिर स्पेसिफिकेशन का कंप्लीट आइडिया होता है तो पूरा आनंद का आस्वादन होता है, ठीक है ना। जैसे कोई बोले मेरे सपनों के साथ कुमारी कब आएगी तू, तो आइडिया नहीं है कुछ, किसकी बात हो रही है, तो बातें चल रही है, लेकिन जब कोई स्पेसिफिक मिल जाती है तो आनंद का आस्वादन बढ़ता है। तो आप समझ गए होंगे आयोग, है ना। तो ऐसे ही चार कुमार का उदाहरण आता है, ब्रह्मा जी के चार पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो वो निराकार निर्विशेष ब्रह्म के उपासक थे, शांति में उनकी साधना चल रही थी, लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु से मिलने गए और उनके चरणों की तुलसी की सुगंध उनके नाक में गई, तो भगवान क्योंकि साकार रूप में है, वहां पे साकार रूप में ही तुलसी है, साकार रूप में उनके चरण है, तो जैसे ही उससे गंध उनके नाक में गई तो तुरंत आनंद का आस्वादन हुआ, हायर टेस्ट मिला, तुरंत उन्होंने ब्रह्म को त्याग दिया और भगवान विष्णु के भक्त बन गए। ये हायर टेस्ट है ना, रिजेक्ट कर दिया निराकार निर्विशेष को, क्योंकि वहां कुछ आइडिया नहीं था। हाँ शांति मिल रही थी लेकिन आस्वादन नहीं हो पा रहा। तो कई बार ऐसे लोग टकरा जाते हैं, निराकार वाले निर्विशेष वाले। तो जैसे अभी पीछे प्रभु जी आए हुए थे 3 4 दिन पहले, तो हमारा एक जगह प्रोग्राम था, तो वहां पर प्रभु जी को लगा कि कुछ यहाँ पे हो सकता है निराकार निर्विशेषवादी है, तो प्रभु जी ने ये टॉपिक वहां पे लिया कि निराकार का और साकार का, निराकार वर्सेस साकार का ये टॉपिक लिया। तो प्रभु जी ने मत दिया कि चलो आप मत मानो, लेकिन कम से कम हमारे पास आइडिया तो है भगवान कैसे दिखते हैं, क्या भगवान के स्पेसिफिकेशन है, राम जी की मूर्ति स्थापित हुई, राम जी कितने सुंदर दिखाई दे रहे। आपके पास तो कोई आइडिया ही नहीं है, बेकार है ना, कुछ 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 आइडिया नहीं, कुछ लॉजिक नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ब्लैंक है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही क्या है, निराकार, कोई आकार ही नहीं किसी चीज का। निराकार निर्विशेष जो है वास्तव में देखा जाए तो बेकार नहीं कह सकते, क्योंकि भागवत में इसको स्थापित किया गया, लेकिन ये एक फेज है, आध्यात्मिक मार्ग का एक फेज है। जैसे स्कूल में फेजेज में पढ़ाई होती है, पहली की पढ़ाई, दूसरी की पढ़ाई, तीसरी की पढ़ाई, फिर 12वीं तक की पढ़ाई। तो 12वीं की पढ़ाई करने वाले ये नहीं कह सकते कि हाँ पहली कक्षा की जो पढ़ाई वो बेकार है, लेकिन वहां पे जो पढ़ाया जाता है बहुत बेसिक होता है, ए बी सी डी आ ई ऊ, ये सब बहुत बेसिक चीजें पढ़ाई जाती है। तो जो स्पेसिफिकेशन परम सत्य के निराकार में दिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल नो आइडिया वाले होते हैं, वो बहुत बेसिक ज्ञान होता है। परम सत्य जो है, निराकार निर्विशेष ब्रह्म, वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, वगैरह वगैरह, है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वभाव से जीव जो है इस भौतिक जगत में जो आ चुका है, वो स्वभाव से कृष्ण से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहिन वार्त सर्गे आंति परंतप। तो इस जगत में जो आ चुका है स्वभाव से कृष्ण से ईर्ष्या द्वेष करता है, इसलिए पहले उसको परम भगवान की जो भगवत्ता है उस भगवत्ता के विषय में समझाया जाता है कि वो सर्वत्र है, सर्वत्र विराजमान है ना, प्रकाश के रूप में सब जगह फैला हुआ है। फिर उसका लेवल और ऊपर लेके जाया जाता है कि वो हर जीव के हृदय में विराजमान है, तेरे हृदय में भी है, उनका ध्यान कर, थोड़ा साकार रूप में उनको लेके जाया जाता है। फिर जब वो इतनी अडेप्टेबिलिटी उसका आ जाती है, फिर उसको एक फुल आइडिया दिया जाता है, ठीक है। जब कोई वैष्णव उनको मिलता है तो फिर वो फुल आइडिया उनको देते हैं कृष्ण की स्वयं रूपता के बारे में, कि परम सत्य तो एक गोपाल गोविंद है वृंदावन में, स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, दुई रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूप एक कृष्ण ब्रजे गोप मूर्ति, ब्रज में गोपाल गोविंद है, वो भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। तो नो आइडिया के स्टेज से उनको आइडिया तक लेके आया जाता है ना। वदन्ति तत्सिदस्तत्वं यद् ज्ञानमद्रयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। ये तीन लेयर्स हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ठीक है ना। लेकिन आप कभी भी देखो, कितने शास्त्रों का अध्ययन कर ले, उपनिषदों को पढ़ ले, वेदों को पढ़ ले, ब्रह्म को कभी भी रसमय, आनंद घन ये सब नहीं बोला जाता, क्योंकि उसमें है ही नहीं। शांति मिल सकती है लेकिन रस आनंद ये सब नहीं मिलता, लेकिन कृष्ण को बोला जाता है आनंद घन मूर्ति, रसो वही सह आनंद घन कृष्ण,
आनंद घन गोपाल, आनंद गोपाल, आनंद कृष्ण, ये सब कृष्ण के नाम है, ब्रह्म के नहीं है ना। आजकल कई लोग निराकारवादी बनकर घूमते हैं, लेकिन भैया जो तुम्हारे सुप्रीम आचार्य थे सुखदेव गोस्वामी, उनका भी तुम्हें पता होना चाहिए। पैदा होते ही सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने भागवत बोली, पैदा होते ही निराकार निर्विशेष ब्रह्म में ध्यान लगाने के लिए चले गए। ठीक है, इतने बड़े आचार्य हैं। ठीक है, तो उनके पिताजी जो थे श्री व्यासदेव, व्यासदेव उनके पिताजी थे, उन्होंने भेजा अपने शिष्यों को कि जाओ उसको लेके आओ, और उसको तोड़ने का, उसका जो ये नो आइडिया वाला कॉन्सेप्ट है निराकार निर्विशेष, इसको तोड़ने का सिंपल सा उपाय है, जाके उसको दो श्लोक बता रहा हूँ ये सुना देना, क्योंकि ये दोनों श्लोक भगवान की स्पेसिफिकेशन देते हैं, भगवान का कंप्लीट आइडिया देते हैं। इससे उसका ध्यान हट जाएगा वहां से, उसका वहां से डिस्टेस्ट हो जाएगा, उसका हायर टेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रह्म से हटके वो भगवान कृष्ण की साक्षात भक्ति में, साकार भक्ति में लग जाएगा। तो उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ और ये श्लोक सुनाओ, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कि भगवान श्री कृष्ण सिर पे मोर पंख लगाते हैं, ना कानों में नीले कर्णिकार फूल है उनके, हाथ में उनके गले में वैजंती माला है, हाथ में उनके मुरली है। तो बड़ा सुंदर उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया इसका, और जैसे ही उन्होंने सुना उन्होंने तुरंत निराकार निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान छोड़ दिया। तो इस नो आइडिया का तोड़ क्या है, भगवान का आइडिया। और महाराज तो बड़ा सिंपल कहते हैं, महाराज कहते हैं, हमारे महाराज कहते हैं कि जो सृष्टि है, इस पूरी जगत, ये पूरी सृष्टि, ये साकार है, सब कुछ का आकार है, लेकिन सृष्टि को बनाने वाले को आप कहते हो निराकार है। निराकार वास्तव में निकृष्ट वस्तु होती है, साकार उत्कृष्ट होती है, साकार ऊंचा है, निराकार नीचा है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि कोई सुंदर सुंदर सा व्यक्ति हो, सुंदर सा भक्त हो, उसको बोले कि आपका मुख नहीं है, उसकी सुंदर आंखें, बोले आपकी आंखें भी नहीं है, आपके बाल भी नहीं है, आपकी नाक भी नहीं है, यू आर जस्ट अ लाइट, तो बोलेगा भैया मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, मेरे को निराकार नहीं बनना। प्रेत योनि जो होती है निराकार योनि होती है, कोई आकार नहीं होता। और सबसे ज्यादा कष्टदायक, सब शास्त्रों में बताया गया, प्रेत योनि होती है, सबसे ज्यादा कष्ट प्रेत योनि में मिलता है। इसलिए साकार हमेशा श्रेष्ठ होता है, निराकार नीचे होता है, निम्नतम होता है, निकृष्ट होता है। तो साकार श्रेष्ठ है, यानी कि आप कह रहे हो कि सृष्टि श्रेष्ठ है, और निराकार निकृष्ट है, यानी कि जो उसको बनाने वाला है, जिसको आप निराकार बोल रहे हो, निकृष्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। सृष्टि जो है कला है, भगवान की कला है, परम सत्य की कला है। तो आप कह रहे हो कि कला जो है कलाकार से श्रेष्ठ हो गई, ये कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कलाकार ही श्रेष्ठ रहेगा कला से, क्योंकि वो कल फिर दूसरी कला बना देगा, कल कुछ अच्छा क्रिएशन कर देगा, है ना। उसकी कला की जो हाइट्स हैं वो रोज नई नई निकल के आती रहेंगी, क्योंकि वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ये ओपन एंड शट केस है, बिल्कुल क्लियर एविडेंसेस है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो निराकारवादी होते हैं उनके अंदर एक बायसनेस होती है ना, उनके अंदर एक पक्षपात होता है, उनके अंदर भगवान के प्रति ईर्ष्या होती है। तो वो लोग क्या है, राम कृष्ण विष्णु इनसे ईर्ष्या कर करके वो क्या करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, तुम्हारे राम कृष्ण विष्णु कैसे भगवान हो सकते हैं, राम जी को देखो तुम पत्नी की खोज में दर दर भटक रहे हैं, ठीक है, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कृष्ण को 16,108 रानियां रख के बैठे हुए हैं, करोड़ों तो उनकी गर्लफ्रेंड्स थी। तो द्वेष है उनके अंदर, भगवान की जो सुंदर अचिंत्य लीलाएं हैं, अमोघ लीलाएं हैं भगवान की, निष्कलंक लीलाएं, उन लीलाओं का ज्ञान उनमें नहीं है, और ज्ञान नहीं है इसलिए उनके अंदर द्वेष आ जाता है। जहां ज्ञान नहीं होता वहां द्वेष का जन्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ज्ञान से पहले श्रद्धा बनानी पड़ती है, अगर श्रद्धा है थोड़ी तो ज्ञान ले पाएंगे, अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं ले पाएंगे, है ना। अगर हम यहाँ उपदेश पे आते हैं और हर चीज को चैलेंज मोड में सुन रहे हैं, कभी भी हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं टिकने वाला। पहले बेसिक श्रद्धा बनानी पड़ेगी, अपने आप को मूर्ख समझना पड़ेगा, गुरु आमी मूर्ख देखिला करेले शासन, अपने आप को मूर्ख समझना पड़ेगा, तब ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा। एक बच्चे को जो प्राइमरी स्कूल में जाता है तो टीचर में श्रद्धा रखनी पड़ती है, टीचर बोलेगा 2 + 2 = 4, 3 + 1 = 4, 5 - 1 = 4, 6 - 2 = 4। वो तो ये नहीं चैलेंज करेगा खड़ा होकर कि सब कुछ 4 ही होता है क्या मास्टर जी, आपको कुछ आता नहीं है क्या। श्रद्धा रखेगा, रट लेगा उस समय, बाद में जाके समझ आएगा कि सही कह रहे थे मास्टर जी। तो श्रद्धा रखेगा तो ज्ञान मिलेगा, श्रद्धावान लभते ज्ञान, धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, लेकिन श्रद्धा रखनी पड़ेगी। लेकिन जब श्रद्धा ही व्यक्ति जो है
उसका काम नहीं बनेगा अगर, तो क्या करेगा? फिर वो निराकार निशेष को भी छोड़ देगा और नास्तिक बन जाएगा, है ना? वो अमिताभ बच्चन का सीन आता ना, खुश तो बहुत होंगे आज तो। प्रभु जी ने एक स्टेटमेंट दिया उसी क्लास में, प्रभु जी बोले कि ये एक्चुअली कोट होना चाहिए वास्तव में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो निराकारवाद है यही आगे चल के नास्तिकवाद बनता है। क्योंकि एक समय जब साधक और जानना चाहता है, और ज्ञान लेना चाहता है, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता है, तो वहां तो कोई आइडिया ही नहीं, आगे फर्दर तो कोई आइडिया है ही नहीं, तो फिर क्या होता है, सब झंझट समझ के छोड़ देता है और नास्तिक बन जाता है, बोला नास्तिक ही ठीक है। इसलिए आप देखो जितना सबसे ज्यादा नास्तिक लोग कहाँ है, पाश्चात्य देशों में, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी हुआ करती थी। और क्रिश्चियनिटी जो है वो एक पूरा का पूरा निराकार निराकारवाद पर आधारित है, वो धर्म ही पूरा का पूरा निराकारवाद पर है। तो क्योंकि फर्दर आइडिया नहीं है तो क्या है, धीरे धीरे वहां पे परम सत्य की नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे फिर वहां पे नास्तिकवाद आ जाता है। तो धीरे धीरे ये जो नो आइडिया की स्टेज है, ये एक व्यक्ति को नास्तिक बना देती है। इसलिए जो ये जो संस्थाएं आजकल फैला रही है कई सारी, है ना, ये टोटली गलत प्रोसेस फैला रही है नास्तिक, ये निराकारवाद का। पहले ये प्रोसेस का पार्ट होता था ना, क्योंकि अलग अलग लेयर्स में जैसे हमने देखा कि पहले ब्रह्म पर ध्यान, फिर परमात्मा, फिर भगवान, प्रोसेस का पार्ट होता था। लेकिन राम कृष्ण में ईर्ष्या नहीं कराई जाती थी। जैसे हम चार कुमार का उदाहरण देते हैं, तो उनमें विष्णु भगवान से ईर्ष्या नहीं थी, वो गए थे उनसे मिलने के लिए और तब भक्त बन गए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये जो लोग हैं ये श्रद्धाहीन लोग हैं, इनके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, तो ये निराकारवाद की आड़ में राम कृष्ण विष्णु से नफरत करना सिखाते हैं और धीरे और बोलते हैं कि हम अध्यात्म कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म नहीं कर रहे होते हैं, ये अपना साधारण सा कर्म कर रहे होते हैं, लोग को राम कृष्ण विष्णु से नफरत करना सिखाते हैं और धीरे धीरे फिर वही लोग फिर बाद में नास्तिक बन जाते हैं। राम कृष्ण विष्णु घर से हट गए, साइड हो गए, अभी कुछ आइडिया नहीं है, अभी निराकार निशेष ब्रह्म आ गया, उसका कोई आइडिया है नहीं, तो धीरे धीरे वो भी हट जाएगा, परमानेंट है नहीं, क्योंकि वो मार्ग वैसे ही क्लेशों वाला है, हम आगे लेंगे तो कोई आइडिया नहीं, सब हट जाएगा। हाँ, भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में चौथा अध्याय और 18वां श्लोक कि कर्मण्य कर्म यह पश्यत कर्मणि चय कर्म, कि जो अकर्म में कर्म को देख लेता है वो ज्ञानी है। कहने को ही अकर्म चल रहा है, अध्यात्म चल रहा है, लेकिन वास्तव में साधारण कर्म कर रहे हैं, क्योंकि भगवान से ईर्ष्या द्वेष करना सिखा रहे हैं, सारा गड़बड़ हो रहा है। और एक्चुअली यही जो प्रश्न है कि निराकारवादी श्रेष्ठ है या साकारवादी श्रेष्ठ है, ये टॉपिक अर्जुन ने उठाया 12वें अध्याय की शुरुआत में। 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग, और उसकी शुरुआत में ही अर्जुन ने ये टॉपिक उठा दिया। अर्जुन कह रहे हैं 12वें अध्याय के पहले श्लोक में, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परुपासते ये चापि अक्षर अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा, कि हे भगवान, जो आपकी भक्ति करते हैं, सतत युक्त होकर उपासना करते हैं, साकारवादी लोग हैं, एक तरफ वो हैं और दूसरी तरफ क्या है, आपके अक्षर अव्यक्त रूप के उपासना करने वाले, तो कौन से योग वित्तमा है? कौन से योग वित्तमा का मतलब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, योग वित्तमा कौन से श्रेष्ठ हैं, कौन से वो योगी हैं जो परम सिद्ध हैं, जो ज्यादा श्रेष्ठ हैं, साकार वाले या निराकार वाले? इमीडिएटली भगवान दूसरे श्लोक में आंसर देते हैं, 12वां अध्याय दूसरा श्लोक, मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परियोपेतास्ते मैं युक्त धमामता। तो भगवान ने क्लियर कर दिया, जो मैया वेश्य मनो ये माम करेगा, यानी कि मेरे अंदर जिसने अपना मन को निवेशित कर लिया है, मेरे, भगवान साक्षात रूप में खड़े हैं, साकार रूप में खड़े हैं, कृष्ण रूप में, और बोल रहे मेरे अंदर, तो दैट मीन साकार उपासना की बात चल रही। फिर आगे फिर कह रहे नित्य युक्त उपासते, जो नित्य मेरी उपासना करेगा, हम उपासना करते हैं ना भगवान की, 16 माला जप करते हैं, भगवान के साकार रूप की कथाएं सुनते हैं, भगवान के अर्चा गुरुओं की सेवाएं करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, तो हमारी जो नित्य युक्त उपासना है सारी की सारी भगवान के साकार रूप पर ही आधारित है, साकार रूप के इर्द गिर्द है, कृष्ण राम विष्णु इन पर इर्द गिर्द है, ठीक है ना। और भगवान कह रहे हैं ये मैं युक्त तमामता, तो मेरी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ वही है, श्रेष्ठ योगी वही है। ठीक है निराकारवादी भी कुछ कुछ कर रहा है, लेकिन साकारवादी वास्तव में मेरे से श्रेष्ठ है, भगवान साकार रूप में खड़े हैं और फिर ये बात बोल रहे हैं, ज्यादा श्रेष्ठ योगी है, ज्यादा श्रेष्ठ अध्यात्मवादी है, वो वास्तव में साकारवादी है, निराकारवादी नहीं है।
और ये अर्जुन और भगवान के इस कॉन्वर्सेशन से क्लियर होता है। तो कभी भी कोई मिले तो 12 अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक पढ़ा देना चाहिए कि भैया भगवान के वाणी से सुन लो, है ना। हालांकि ये कि भगवान निराकार वालों को कभी रिजेक्ट नहीं करते, सब भगवान के बच्चे हैं। अगर अगले 2 श्लोकों में पढ़ेंगे, तीसरा और चौथा, तो पता चलेगा भगवान कह रहे हैं कि हाँ मुझे प्राप्त करेगा समाव अगर लगा रहा तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बंदे लगे नहीं रह पाते, है ना, कभी भी कंप्लीटली लगे नहीं रह पाते। क्योंकि क्या होता है, ये जो निराकारवाद है ये सिंपल शब्दों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता को फैलाता है। कृतज्ञता यानी कि अनग्रेटफुलनेस, एहसान फरामोशी, एहसान फरामोशी जिसको साधारण शब्दों में बोला जाए। तो कृष्ण के प्रति, आचार्य के प्रति, भक्ति देवी के प्रति ये एहसान फरामोशी को फैलाता है। भगवान ने हमको सुंदर जीवन दिया, भगवान सूर्य का ताप दे रहे हैं। अभी सर्दियों में सबको लग रहा है कि देखो भगवान के, सूर्य के ताप में भगवान की अनुभूति होती है। 4 दिन सूर्य नहीं निकले भगवान की याद आने लग जाती है ना। सूर्य का ताप दिया, वर्षा दी, कह रहे हैं ना गीता में 9वें अध्याय में, तपामि अहम अहम वर्षम, है ना, निर्गृहाणी उत्सदामि च। वर्षा मैं हूँ, ताप में हूँ, लाने वाला मैं हूँ, ले जाने वाला मैं हूँ, सब मैं हूँ। भगवान ने अग्नि दी खाना पकाने के लिए, भगवान ने प्राण वायु दी, हमारे पेट के जठर अग्नि पचाने वाली भी भगवान है। संतरे का खट्टापन भगवान ने दिया, गन्ने का मीठापन भगवान ने दिया, सब कुछ तो भगवान ने दिया, सब कुछ भगवान की कृपा है। लेकिन ये जो निराकारवादी हैं ये भगवान के प्रति कृतज्ञ होते हैं, है ना। इनको कृष्ण राम विष्णु से कोई लेना देना नहीं होता और उनको निराकार बोलते हैं, माइक बोलते हैं। तो ये क्या है, भगवान को गाली देने के समान है। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, है ना। इतना सुंदर भगवान का रूप है और उस रूप को, इतने सुंदर रूप को ये निराकार बोल देते हैं। तो महाराज बोलते हैं ये निराकार बोलना गाली देने के समान है। जबकि एक भक्त जो होता है वो भक्त जो है बहुत ज्यादा कृतज्ञता से भरा होता है भगवान के लिए कि भगवान ने मेरे को इतनी जीवन निर्वाह की चीजें दी, बेसिक लेवल पे कितनी सारी जीवन निर्वाह की चीजें दी, इतना सुंदर जीवन दिया। इसके अलावा भगवान ने जो ज्यादा जरूरी है भगवत गीता दी, हाँ, एक और शास्त्र देव की पुत्र गीता, सारे शास्त्रों का एक ही निचोड़ भगवत गीता, वो भगवान ने हमको सुनाई, इस धरा धाम पे लाकर सुनाई। भागवत दी, अपनी सुंदर सुंदर भागवत में लीलाएं दी जिससे हम इतना सुंदर आस्वादन करते हैं, रसज्ञा नाम स्वादु स्वादु पदे पदे, इसका एक एक श्लोक, एक एक लीला, एक एक पद पद इतना स्वाद और आनंद देने वाला है। तो भगवान की कृतज्ञता का अनुभव करता है वो, है ना। कुंती महारानी कहती है भवे अस्मिन क्लिश्य महाराणाम अविद्या काम कर्म भी शरणम स्मरणम अर्हाणि करिष्य नीति केचन, कि भगवान इस भव में, भव सागर में आते हैं। और क्यों आते हैं, हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए जो अविद्या के कारण क्लेशों को भुगत रहे हैं, है ना। क्लिश्य महाराणाम अविद्या काम कर्म भी, जो अविद्या से भरे हुए हैं, अज्ञान से भरे हुए हैं, आध्यात्मिकता का जिनको कोई ज्ञान नहीं है, इनके अंदर काम भरा हुआ है, और जो केवल और केवल बस कर्म किए जा रहे हैं अपने कैसे भी करके, तो ऐसे लोगों के कल्याण के लिए भगवान आते हैं और विभिन्न लीलाएं करते हैं और जिनको सुनने से हमारा कल्याण होता है। तो ये गीता दी भगवान ने, भागवत दी, सुंदर लीलाएं दी भगवान ने, अपना नाम दिया, इतना सुलभ बना दिया भगवान ने कि मुझे सिर्फ मेरा नाम करके प्राप्त करो। हाँ, गीत्वा च मम नामानि नर्त्ये त्वं सन्निधौ, कि नाचो मेरे सामने और मेरा नाम का गान करो और मैं अपने आप को तुम्हें अर्पित कर दूंगा, तुम्हें दे दूंगा। तो नाम दिया भगवान ने, भगवान ने हमको भक्त समाज दिया। तो इससे क्या होता है, इन सब चीजों को याद कर करके भक्त क्या है, अपने हृदय में कृतज्ञता भरता है भगवान के लिए, और वो कृतज्ञता का भार इतना ज्यादा होता है कि फिर बैठ नहीं पाता, फिर वो भगवान का प्रचार प्रसार करता रहता है। जैसे प्रभु जी नहीं बैठ पाते, महाराज नहीं बैठ पाते, है ना, लगे रहते हैं, दौड़ धूप करते रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात 12 महीने हर मौसम, सुख दुर्द हारी बीमारी हर परिस्थिति में लगे हुए हैं भगवान के लिए, क्योंकि हृदय के अंदर कृतज्ञता भरी है। हाँ, एक पेड़ जब वृक्षों, जब जब फलों से लद जाता है तो झुक जाता है ना, नीचे झुक जाता है, आम ही आम लग गए तो झुक जाता है, और जिसमें फल नहीं है सीधा खड़ा रहता है तन के, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो कृतज्ञता भरा हृदय जो होता है सबसे सुंदर होता है। और गुरु जी आए थे तो हर दिन दो दो तीन तीन दिन, दो दो तीन दिन प्रोग्राम लगे हुए, क्योंकि हृदय के अंदर
भगवान के प्रति और आचार्यों के प्रति हिमालय जितनी बड़ी कृतज्ञता भरी है। इसलिए हमको जो है हमेशा ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनके हृदय गुरुजनों के प्रति और भगवान के प्रति कृतज्ञता से भरे हो। जो कृतज्ञ नहीं है वैष्णव के लिए, जिनसे हम सीखते हैं उनके लिए, उनका संग जो है आपका सर्वनाश कर देगा, टोटली सर्वनाश कर देगा। एक बार तो शरीर में कैंसर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कृतघ्न बंदे का, एहसान फरामोश बंदे का संग कर लिया, सब नाश, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार सब कृष्णा ठीक कर देंगे समय के साथ। लेकिन अगर कृतघ्न बंदे का संग, कृतघ्न जो व्यक्ति है, इसको कोई अपने गुरुजनों का, भगवान का जो दिया हुआ है उसका, उसको कोई ग्रेटफुलनेस नहीं है, तो फिर वो भगवान उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको बाहर कर देंगे, प्रोसेस से ही बाहर कर देंगे, है ना। क्योंकि ये जो कृतज्ञ व्यक्ति होते हैं ये असली चंडाल होता है ना, और इसका संग जो होता है हमारी पूरी की पूरी भक्ति लता को उखाड़ कर फेंक देगा। भक्ति में नहीं बढ़ना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बढ़ना है तो ऐसे कृतज्ञ लोगों को अपने संग से दूर निकालना होगा। काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष के लिए बोला जाता है कि ये महाशनो महापापमा, हमारा सब खा जाते हैं, लेकिन कृतघ्न व्यक्ति का संग तो हमारे भाग्य को ही खा जाता है। बड़े भाग्य से हमें भक्ति मिली, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद दे पाए भक्ति लता भी, कितने भाग्य से, कितनी कितना अनंत जन्मों तक इंतजार करने पर भक्ति मिली, और अब हम एक कृतघ्न व्यक्ति का, एहसान फरामोश व्यक्ति का, जो गुरु कृष्ण भक्तों के प्रति एहसान फरामोश है, उसका संग कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा भाग्य उजाड़ देगा हमारा, ठीक है ना। और इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल कौन है, उसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है केकई माता। केकई माता परम भक्त शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अपने चरित्र से एक बात समझा रही हैं कि कभी भी किसी कृतघ्न व्यक्ति का संग मत करो। उन्होंने इस इतिहास की सबसे बड़ी कृतघ्न स्त्री का संग किया, मंथरा का सबसे कृतघ्न स्त्री, है ना। हालांकि केकई माता शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अपने चरित्र से उनको सिखा रही हैं। मंथरा जो है, मंथरा से बड़ा कृतघ्न व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। राम जी के राज्य में सुख पूर्वक रह रही है, उनका दिया खा रही है, उनके उनके राज्य में मजे कर रही है, लेकिन हृदय में कोई कृतज्ञता नहीं है राम जी के प्रति। और कैकेयी को भड़का दिया कि तेरा तेरे बेटे को राज्य राजा बना, अगर ये राजा बन गया तेरे को दासी बना देगा, तेरा बेटा तो है ही दास, उसको भड़का दिया उल्टा सीधा, हाँ, अपनी कृतज्ञता का बीज उनको भी ट्रांसफर कर दिया। और कैकेयी माता ने क्या गलती करी, उनसे छोटी सी गलती हुई कि उन्होंने उस कृतघ्न व्यक्ति का संग त्यागा नहीं, उसका सर्वनाश किया नहीं, उसको लताड़ा नहीं, और बल्कि क्या किया, बस थोड़ा सा ये बोला, एक दोहा आता है सुंदर, इसमें बोला जाता है, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तीन तीस कुनी चेरी करी कही भर्तमा तू मुस्कानी। मुस्कुरा के बोल दिया कि शायद पागल, तू तो ऐसी भक्ति रहती तेरी कौन सुनेगा, तो मुस्कुरा के बोल दिया, यानी कि उसको ताड़ा नहीं, उसका तिरस्कार नहीं किया, उसको रिजेक्ट नहीं किया, अपने संग से हटाया नहीं। तो क्या हुआ, उसका जो एक कृतज्ञता का, एहसान फरामोशी का जो विष था, वो उनके अंदर भी थोड़ा सा ट्रांसफर हो गया। हालांकि शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अपने आचरण से हमको सिखा दिए कि अगर आप किसी भी कृतज्ञ व्यक्ति का, गुरु कृष्ण भक्तों के प्रति जो कृतज्ञ है, उनका संग करोगे, आपकी भी भक्ति पूरी की पूरी उजड़ जाएगी। सांप और कृतज्ञ व्यक्ति दो में से एक का संग चूज करना हो तो सांप को चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि सांप ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, प्राण हर लेगा, एक बार मारेगा, लेकिन कृतज्ञ व्यक्ति तो हमारी भक्ति को खा जाएगा। हमारा जो भाग्य जो उदय हुआ है करोड़ों जन्मों के बाद, उसको उजाड़ के फेंक देगा। तो कितना खतरनाक है कृतज्ञ व्यक्ति का संग। खैर हम कहाँ के कहाँ चले गए, लेकिन ये रिलेवेंट था क्योंकि निराकारवादी जो होता है ये सबसे बड़ा कृतज्ञ होता है भगवान के लिए, राम कृष्ण विष्णु के प्रति सबसे बड़ा कृतज्ञ होता है। और क्योंकि कृतज्ञ होता है, एहसान फरामोश होता है, इसलिए बार बार गिरता भी है ना। भागवत में 10वें स्कंद में देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं, देवी देवता क्या कर रहे हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष मुक्त मानी नस्त्वयि भावाद अविशुद्ध बुद्ध आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा पतंती अधोना आदर तिष्म दंग्रह, कि भगवान ये जो भक्त के अलावा जो और लोग हैं, निराकारवादी योगी अष्टांग योगी ये वो फलाने ढिमका, ये लोग चाहे कितने ही ऊपर चढ़ जाएं, ब्रह्म में लीन हो जाएं, अष्ट सिद्धियां इनको मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन क्योंकि अनादर युष्मदंग्र आपके चरणों का अनादर करते हैं, आपके प्रति इनके हृदय में कोई कृतज्ञता नहीं है,
तो फिर ये पतंती अधो, बार बार नीचे गिरेंगे, बार बार नीचे गिरेंगे। तो कितना बुरा हश्र होता है अगर कोई व्यक्ति कृतघ्न है ना। निराकार में कृतज्ञता ही सिखाई जाती है। ओरिजिनली ऐसा नहीं था, लेकिन अभी जो निराकारवाद संस्थाएं फैली हुई हैं, कई सारी संस्थाएं, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति कृतज्ञता का आइडिया इम्प्लांट करती है हमारे अंदर। इसलिए इनका संग करने से हमको बहुत ज्यादा बचना चाहिए। हाँ, और इसलिए भगवान ने इस निराकार के रास्ते को बोला कि ये क्लेशों का रास्ता है, कभी चैन से बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे प्रति तो कुछ कृतज्ञता हो नहीं पा रही, तो कभी चैन मिलेगा ही नहीं, सुख चैन मिलेगा ही नहीं। पांच श्लोक में आगे बढ़ते जाएंगे, पांच श्लोक में मिल जाएगा। क्लेशो अधिकस्तरस्ते शाम अव्यक्त आसक्तेर साम, अव्यक्ता ही गतिर दुगम देव अद्भिर वाप कहते हैं, है ना। तो क्या करे भगवान, कि जो देहधारी हैं, यानी हमारी बात हो रही है, हम सब देहधारी हैं, तो उनके लिए ये क्लेशों का मार्ग है। इसमें क्लेश ही क्लेश है ना। और सबसे बड़ा क्लेश तो क्या है, ध्यान, है ना। ध्यान ही सबसे बड़ा क्लेश है। भक्ति का मार्ग कृपा का मार्ग है। आप चलोगे गिरोगे, भगवान पकड़ पकड़ के उठाते रहेंगे, निकालते रहेंगे। आप एक कदम चलोगे, भगवान 100 कदम चल के आ जाएंगे, क्योंकि कुछ तो कृतज्ञता है, शीश तो नवा रहे हैं भगवान के आगे। ठीक है, जो गड़बड़ हो रही है तो हो रही है, लेकिन कुछ तो है कृतज्ञता। लेकिन जहाँ कृतज्ञता नहीं है, निराकार निर्विशेष, बहुत भगवान की कोई कृपा नहीं मिलने वाली। खुद ही करो, खुद ही सिद्ध अवस्था तक पहुंचो, और फिर वहां पहुंच के भी गिरो, क्योंकि कृतज्ञता नहीं है, है ना। तो ये जो ध्यान का मार्ग है, निराकार निर्विशेष परम, क्या ये ध्यान का मार्ग है, मार्ग है। तो इसको बोला गया, भगवान ने बोला इसको क्लेशों का मार्ग। इसमें बहुत क्लेश है। क्यों क्लेश है, क्योंकि डिस्ट्रेक्शन इतने ज्यादा है आज की तारीख में। हमारे पास कितने डिस्ट्रेक्शन है, हमारे पास इतने विचार हैं, विचार हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कथा सुनने आए और हमारा दिमाग रहता है कि भाई प्रसाद में क्या बना होगा, कब तक फ्री होंगे, फलाने ने मुझको प्रणाम नहीं किया। तो ध्यान का डिपार्टमेंट हमारा पूरा गड़बड़ है। इसलिए कृष्णा बोले एक क्लेशों का रास्ता है, आपको आपको इसमें कोई सुख मिलेगा ही नहीं, इसलिए इस मार्ग पे जाओ मत, जाना ही बेकार है। ये नो आइडिया के मार्ग पे जाना बेकार है ना। इस मार्ग पे क्या करना था, ध्यान लगाते हैं, ज्ञान लेते हैं, इंद्रिय निग्रह करते हैं, फिर तब जाके कहीं अगर सिस्टमेटिकली चले और भगवान के प्रति कोई आसान फरामोशी नहीं रखी, तो तब जाके भगवान के भक्त बनेंगे। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के बाद फिर जाके कृष्णा को सरेंडर हो जाएंगे। लेकिन ये जो साकार का रास्ता है, पहले दिन ही जाएंगे इस्कॉन में, सिखा देंगे कृष्ण परम भगवान है, और क्योंकि श्रद्धा है तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, जीवन सुखमय हो जाता है, सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, ठीक है ना। एक एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है, ये इस्कॉन का कल्चर है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे ज्ञान भी करेक्ट है, ज्ञान के साथ विज्ञान भी करेक्ट है। वहां पे ज्ञान अपूर्ण है और विज्ञान तो है ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए ये जो भगवान के प्रति कृतज्ञता है, इसका इसको हमारे हृदय के अंदर इन्फ्यूज करना बहुत जरूरी है। और उन ये करता कौन है, वैष्णव करते हैं, वैष्णव करुणावान होते हैं, वो जीव के हित के लिए कार्य करते हैं और उसके अंदर भगवान के प्रति कृतज्ञता का ट्रांसप्लांट करते हैं, कृतज्ञता भरते हैं भगवान के प्रति, और इससे उस जीव का अपने आप हित हो जाता है, अपने आप उसकी आध्यात्मिकता में रुचि हो जाती है। यही सबसे बड़ा हित है ना। इसी से भगवान मिलेंगे। हाँ, कह रहे हैं 5वां अध्याय 29वां श्लोक भगवद गीता, क्या कह रहे हैं भगवान, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मश, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मश, और समथिंग लाइक दैट, ऐसे मैं भूल गया श्लोक, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मश, और आगे बोला गया सर्वभूत हिते रता, कि जो सभी जीवात्माओं के हित में कार्य कर रहा है, यानी उनको राम कृष्ण विष्णु से जोड़ रहा है, उनके प्रति कृतज्ञता सिखा रहा है, उनके परम हित के लिए कार्य कर रहा है, वो वास्तव में लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, उसको भगवान प्राप्त होंगे, किसी को नहीं होंगे, उसके अलावा किसी को नहीं होंगे, है ना। तो परम हित के लिए कार्य करना पड़ेगा। लोग समझते हैं कि लोगों का सामाजिक हित कर दो, आर्थिक हित कर दो, सांस्कृतिक हित कर दो, इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते लोग, उनको लगता है कि यही हित है। क्योंकि कृष्ण ने बहुत बोला भगवद गीता में, सर्वभूत हिते रता, हित की बात बहुत करी, लेकिन लोग यहीं फंस जाते हैं, सामाजिक हित, आर्थिक हित, सांस्कृतिक हित, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा बांटेंगे, कंबल बांटेंगे, चाय भी बांटते हैं आजकल तो, या कुछ कुछ सांस्कृतिक चीजें दे देंगे, लेकिन आध्यात्मिकता देने के विषय में कोई नहीं सोचता, क्योंकि किसी के पास है भी नहीं वास्तव में, किसी के हृदय में भगवान के प्रति कृतज्ञता नहीं। लेकिन अगर कृष्ण को वास्तव में यही सब करवाना था, ड्रामेबाजी करवानी थी, तो अर्जुन ने भी तो बोला था पहले अध्याय में कि भगवान युद्ध करेंगे,
तो सामाजिक कल्याण कार्यक्रम सब बेकार हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने बोला फालतू की बातें मत कर, चुपचाप युद्ध कर, ठीक है। सामाजिक कल्याण कल्याण की बातें मत कर, आध्यात्मिक कल्याण की बात कर। आध्यात्मिक कल्याण क्या है? जीव को भगवान से जोड़ना। अक्सर प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे कि बच्चा अगर मेले में खो जाए तो उसको लॉलीपॉप दे दो, 5 मिनट चुप रहेगा, झूला झूला दो, 10 मिनट चुप रह लेगा, खाना वाना खिला दो, लेकिन फिर भगवान को याद करेगा। परमानेंट सॉल्यूशन तो हुआ नहीं ना, माता पिता को याद करेगा। तो परमानेंटली अगर उसको चुप करना है, उसको आनंद देना है, तो क्या कर सकते हैं? उसको भगवान, उसके अपने माता पिता से मिला दो, ठीक है ना। माता पिता से मिलाना सबसे ज्यादा जरूरी है, और यही उसके लिए परम कल्याण है, यही उसका परम हित है। तो उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, उसको उसके माँ बाप का आइडिया देना पड़ेगा कभी, क्योंकि अभी उसको, हमको कोई आइडिया ही नहीं है उसके माँ बाप कौन है, हमको कोई आइडिया ही नहीं कि उसका परम हित किसमें है। तो फिर हम लोग उसका भी समय खराब करते हैं और अपना भी समय खराब करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है निराकार के साथ। निराकार वाले ये जो है, राम कृष्ण के प्रति हमारी जो कृतज्ञता है, इसका नाश कर देते हैं। थोड़े बहुत लोगों में फिर भी रामकृष्ण के प्रति शरणागति है, वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, लेकिन जैसे ही किसी निराकार वाले के जन्म में आ जाते हैं, वो कृतज्ञता भर देते हैं, एहसान फरामोशी भर देते हैं। मैंने सच में कई लोगों को बर्बाद होते देखा, पूरा उनका नाश कर देते हैं अध्यात्म का। बेचारा फिर भी थोड़ा कुछ कर रहा होता है धर्म कर्म के नाम पे, वो निराकार वाद से जुड़ के वो पूरा ही सत्यानाश हो जाता है। इसलिए आज की तारीख में ये जीव के, मनुष्यों के सबसे बड़े श्रद्धा के दुश्मन है। श्रद्धा खत्म, खेल खत्म, फिर धीरे धीरे नास्तिक बन ही जाएगा ये, निराकार वाद ही नास्तिक वाद तक ले जाएगा, जैसे कि पाश्चात्य देशों में हुआ। प्रभुपाद का मंत्र क्या है? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश का। पहले बोला निर्विशेष, फिर बोला शून्यवादी। निर्विशेष का मतलब होता है निराकारवादी, और शून्यवादी मतलब नास्तिक। तो पहले अगर आप निर्विशेष के चपेट में आ गए, तो नास्तिक बनने से कोई नहीं बचा सकता, है ना। और पाश्चात्य देश का है, फिर प्रभुपाद जैसा कोई भक्त आएगा, वो बचाएगा, वो कल्याण करेगा। तो जहां कहीं ऐसे भक्तों का संग मिले, वैष्णव समाज का संग मिले, जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें सही में ग्रेटफुल होना सिखाते हैं भगवान के प्रति। वो हमें भगवान से जोड़ते हैं, हमारे परम हित के लिए आध्यात्मिकता दे के हमें हमारे परम हित के लिए कार्य करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक तरफ नो आइडिया का मार्ग है, जो क्लेशों से भरा हुआ है, जो कृतज्ञता से भरा हुआ है, और दूसरी तरफ कंप्लीट आइडिया है भगवान के बारे में, भगवान कैसे हैं, क्या है, भगवान ने हमें क्या दिया, कैसे भगवान हम पर कृपा करते हैं, हमारे सारे संशयों का जहाँ पे जवाब है। तो ये मार्ग जो है सर्वश्रेष्ठ है, और यही भगवान भगवद गीता में 12वें अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में अर्जुन और भगवान के बीच यही डिस्कस हुआ। तो ये हमने डिस्कशन किया आज, तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, व्यास परेश प्रभु की जय, आप सभी भक्तों की जय, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ व्यास परेश प्रभु जी से, प्रभु जी आप प्लीज कथा को संपूर्णता प्रदान कीजिए, आपका ही ये टॉपिक है, और आपने जो ज्ञान दिया उसमें से मैंने लेने का प्रयास किया, लेकिन जो त्रुटियां हुई हैं उसके लिए क्षमा करें और इसका संपूर्णता प्रदान करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा आपने इसको बताया भी, क्योंकि टॉपिक तो जैसा भी हो लेकिन आप जब उसको बताते हो तो उसको और चांद चांद चार चांद लगा देते हो। तो बहुत सुंदर टॉपिक है और बहुत सुंदर आपने बताया कि आइडिया नो आइडिया, इस जगत में हम लोग हर चीज का आइडिया रखना चाहते हैं लेकिन बड़े मूर्ख लोग हैं कि अध्यात्म का आइडिया ही नहीं है, जिसने जैसा बताया वैसा फॉलो कर लिया। तो आइडिया हमेशा होना चाहिए हमारे पास, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने गीता से, भागवत से, है ना, ये समझाया कि कैसे हमें भक्ति का आइडिया होना चाहिए। योग योद योदना मत आश्रय, भगवान मेरा आश्रय लेने के लिए, मैं अवश्य मनो ये माम नित्युक्त उपासते, मेरी उपासना करना और मेरे प्रति आश्रय रखना, ये वास्तव में देखा जाए तो यही भक्ति है और क्या है। अब जिन लोगों के पास आइडिया नहीं है, जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं, एक्चुअली निराकार मानना बिल्कुल सही बात है, जो पहले निराकारवाद अपने आप में ही नास्तिकवाद की शुरुआत है। तो निराकारवाद बहुत ही खंडित विषय है, बहुत ही, ये कभी भी भगवान ने प्रेज नहीं किया, इसके बारे में जरूर है शास्त्रों में, लेकिन उसके पीछे कारण है। पंच उपासना के अंदर निराकारवाद चलता है, जब पंच उपासना होती है जिसमें पांच लोगों की, पांच देवी भगवान की उपासना कहते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और पांचवा गणेश,
सूर्य, सॉरी, दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और सूर्य देव, इन पांच की उपासना करी जाती है। वो निर्विशेषवाद से शुरू, वहां से होती है, वहां से शुरुआत हुआ पंच उपासना से। लेकिन उसमें भी साकार है ना, विष्णु भी साकार है, सूर्य भी साकार है, वो भी साकार है, उसका नॉलेज होता था। लेकिन आगे ऐसे भ्रांति फैल 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 के सबको, सब कुछ सर्वनाश हो गया। सनातन धर्म ही इसी से खत्म हुआ, खत्म तो नहीं हो सकता, कम हुआ, तो इसी से ही ये गड़बड़ होती है। तो हर चीज है, एक्चुअली हर चीज है ना। तो लेकिन भगवान नहीं है, बड़ा अजीब सा लगता है कि आपका कोई आकार नहीं है। तो भगवान का आकार है, भगवान को निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का मतलब होता है तीनों गुणों से ऊपर। लोग निर्गुण का मतलब समझते हैं कोई गुण ही नहीं है, निर्गुण का मतलब ये नहीं होता। निर्गुण का मतलब होता है कि वो तीनों गुणों से ऊपर है, उनको भगवान कहते हैं। और निराकार का मतलब भी होता है, अगर वास्तव में आध्यात्म की दृष्टि से निराकार का मतलब होता है जिसका आकार नहीं है, ये मतलब नहीं होता। जो मनुष्य के हर आकार से परे है, उनका अपना एक अपना आकार है, वो है निराकारवाद। तो लेकिन उसको निरंकार करके, निराकार को या निरंकार कर दिया कि उनका आकार ही नहीं है, वो गलत है। निराकार मतलब वो इन प्रकृति के सारे आकारों से परे है, उनका एक अपना दिव्य आकार है। तो उसको दिव्य ना कह के निरंकार कर दिया उनको, एक तू ही निरंकार, तेरा ही ये है ना, तू ही अकाल मूरत। तो उससे क्या गड़बड़ हो गई, उससे ये गड़बड़ हो गई कि भगवान का अस्तित्व खत्म हो गया, राम कृष्ण समाप्त हो गए, राम कृष्ण का अस्तित्व समाप्त हो गया, और लोगों की श्रद्धा, लोगों की सेवा समाप्त हो। किसकी सेवा करे, निरंकार की क्या सेवा करनी है। और एक और फिलोसफी जागृत हो गई, वो सबको खिला रहा है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसके इससे ये समझ में आता है उसके पास कोई भाव नहीं है, उसके पास कोई कोई चित नहीं है, उसके पास मन नहीं है, क्योंकि उसको उसको कुछ नहीं चाहिए। तो उससे उसको निर्विशेष करके उसको यूटिलिटी उसकी खराब कर दी, उनका मर्म जो है, मर्म जो होता है हर व्यक्ति का, मर्म खराब कर दिया। ठीक है ना, जैसे आपकी, इसको एक एग्जाम्पल से समझो, आप किसी के पास जाओ है ना, कोई आपके पास, कोई आपसे मिले और आपको ऐसा बोले, नहीं, इनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है ना, इनके पास सब है इनको। लेकिन वो, उसको आवश्यकता है, आपके प्रेम की आवश्यकता है, आपके दुलार की आवश्यकता है, लेकिन हम कहते नहीं, आप इनको कुछ मत कहिए, इनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ये पूरे भगवान के भक्त है, इनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो वो व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ नहीं, ठीक कह रहे हैं, हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बुरा लगता है ना, बुरा लगता है कि हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमको आवश्यकता है प्रेम की आवश्यकता है। तो इसलिए भगवान खाते हैं नहीं खाते हैं, घूमते हैं नहीं घूमते, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, रथ भी हाँकते हैं है ना, और साग विदुर घर खाए, विदुर घर साग भी खाते हैं, प्रेम में कृष्ण कुछ भी करते हैं, प्रेम में कृष्ण करते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि निराकार है भगवान, निराकार है भगवान, निराकार है। तो इसका मतलब क्या है, उनको कोई आइडिया नहीं है। और हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो मूर्ति पूजा करते हो, तो मूर्ति पूजा करते हो, तो हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, हम लोगों को आइडिया है, यही हमारा टॉपिक है। उनको आइडिया ही नहीं है इसलिए वो नो आइडिया है, हम लोगों को आइडिया है इसलिए हमारे पास भगवान की मूर्ति पूजा है। हाँ, उनको भी जैसे भगवान दिखते नहीं है तो भी वो भगवान को मानते हैं, तो हमको भी भगवान दिखते नहीं है, हम भी भगवान को मानते हैं, लेकिन हमको एक आइडिया है कि ऐसे दिखते हैं, हमने शास्त्रों से आइडिया निकाल के उनकी प्रस्तुतिकरण। उनको भी इसलिए नहीं देखते क्योंकि उनके अंदर भी काम है, हमको भी इसलिए नहीं देखते क्योंकि हमारे अंदर भी काम क्रोध है, छठ छठ रिपु है, तो दोनों के अंदर ही चीज है, लेकिन हमारे पास एक आइडिया है, उनके पास आइडिया नहीं है। इसीलिए सनातन धर्म आइडिया दे रहा है सब कुछ, राम जी के सुंदर विग्रह आए परसों है ना, ये आइडिया है हमारे पास, ऐसे है, ऐसे हमने उनको किया, तो ये हमारे पास आइडिया है। इसे सनातन धर्म हित के लिए, क्रिश्चियन धर्म प्रेयर्स के लिए, मुस्लिम धर्म आपका नमस्कार के लिए, और जैन धर्म आपका अहिंसा के लिए, लेकिन कोई भी धर्म हित के लिए नहीं है, सनातन धर्म हित के लिए, ये है हित के लिए। और हित कैसे करोगे जब तक साकार भगवान के शरण में नहीं जाओगे, जब तक आइडिया नहीं होगा करना क्या है। तो इसलिए हम लोगों के पास आइडिया भी है, हम लोगों के पास आइडिया वाले भगवान भी है, तो ये हमारा सबसे बड़ा लाभ है। और बाकियों के पास ये लाभ से वो वंचित है, वंचित है, उनको नहीं पता। भगवान दिखते नहीं है तो कहते हैं भगवान है नहीं, भगवान देख नहीं सकते तो कहते हैं नहीं, अपनी अयोग्यता भी भगवान पे थोप देते, ये नहीं मानते कि हम अयोग्य, हम भगवान को नहीं देख सकते, चलो नाम कर ले, और हम अयोग्य है, हम सेवा नहीं कर सकते, चलो नाम कर ले। तो नाम एक समन्वय है, जो निराकार और साकारवाद का एक समन्वय है नाम। निराकारवादी भी नाम लेते हैं, साकारवादी भी नाम लेते हैं, इसलिए नाम लेते रहना चाहिए। निराकारवाद वाला अगर कभी कल्याण होगा, क्योंकि समन्वय नाम में है, अगर वो भी लेना बंद कर देगा तो वो तो गया। ठीक है, तो इसलिए निराकारवाद बिल्कुल खंडित है,
इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, भक्तों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। हम इतना सुंदर भजन गाते हैं, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, तो राम है तो आएंगे ना। हम कहते हैं ऊपर वाले तेरे तो कान है, तू सबकी सुनता है, तो इसका मतलब ऊपर वाले के पास कान है। ऊपर वाले तू तो कुछ भी देख सकता है, तो ऊपर वाले के पास आंख है, तू तो कहीं भी जा सकता है, उसके पास पैर है, तू तो कुछ भी कर सकता है। ऊपर वाले उसका मतलब उसके पास हाथ है, तू तो सब जानता है, इसका मतलब उसके पास बुद्धि है, उसके पास कान है, सुनता है, आंख है, देखता है, कहीं भी जा सकता है, पैर है, कुछ भी कर सकता है, हाथ है, सबको समझता है, बुद्धि है, बस तेरे पास मुंह नहीं है। मुंह है ना तो तेरी सेवा करनी पड़ेगी, खिलाना पड़ेगा, इसलिए तू निराकार है। बस ये कॉन्सेप्ट पे पूरा निराकारवाद एस्टेब्लिश है। निराकारवाद को तो 2 मिनट में कोई भी सनातनी काट सकता है, उन्हीं के इसी स्टेटमेंट से। है क्या निराकारवाद? नॉनसेंस है, केवल नॉनसेंस। निराकार का मतलब ही नहीं पता लोगों को, निर्गुण का मतलब ही नहीं पता। जिन 2 शब्दों से निराकारवाद फलीभूत होता है, फलीभूत होता है, दोनों शब्दों का अर्थ ही वही है कि वो साकार है। निर्गुण का मतलब प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर, भगवान के अपने दिव्य गुण है। निराकार से मतलब कि उनका आकार हमारी तरह नहीं है, मल मूत्र त्यागते ऐसा नहीं है, तो वो इस भौतिक क्या कहते हैं आकार से दिव्य आकार है उनका, ये मतलब है। लेकिन उनका मतलब ही अलग कर देते हैं। इसे कहते हैं जिनको शास्त्रों की नॉलेज नहीं है, जो अच्छे गुरुओं के अंडर नहीं रहे, उनको ऐसा पता होता है, दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है, वंडरफुली एक्सप्लेन गोकुलन प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर योर डिवाइन सेशन एंड डिवाइन एक्सप्लेनेशन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दाना प्रणाम। ऑलवेज टू यू प्रभु जी, आपके सेशन से ही प्रयास किया बताने का। हरे कृष्णा, दाना प्रणाम प्रभु जी। तो कुछ प्रश्न है प्रभु जी यहाँ पे चैट पे। जो शंकराचार्य राम जी के प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं वो भी निराकारवादी हैं, और जो लोग त्रिपुण लगाते हैं वो भी निराकारवादी होते हैं। एक्चुअली प्रभु जी ने अभी यही एक्सप्लेन किया निराकारवाद के बारे में, कि जो प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल उठा रहे हैं, तो क्योंकि हमारे पास आइडिया है इसलिए हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आप परम भगवान को आप नहीं मानते, आप भी मानते हैं, लेकिन आपके पास आइडिया नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, इसलिए आपके पास प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, मूर्ति नहीं है, इसलिए आपका लोटस टेम्पल खाली है। ठीक है ना, तो वही प्रभु जी ने बताया। और किसी भक्त का भी क्वेश्चन ना तो हम ले सकते। ओके, प्रश्न आया भगवान प्रभु जी, कर्म ही पूजा है ये चीज ठीक है? जो सिर्फ अपनी जॉब ठीक से करता है, बाकी कोई माला कथा गीता कुछ नहीं है, इंटरेस्ट है बट कर नहीं पाते, तो कर्म क्या है? कर्म को कर्म समझना पड़ेगा, है ना। पहली बात, ये जो कर्म ही पूजा है ये बोगस कॉन्सेप्ट है। अगर कर्म ही पूजा है तो चोरी करने वाला अपना कर्म कर रहा है चोरी, ठीक है ना, उसका कर्म है तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए, उसको पुरस्कार देना चाहिए। ठीक है, मांस बेचने वाला वो भी अपना कर्म कर रहा है, उससे भी घृणा नहीं करनी चाहिए, उसको भी कोई पाप नहीं लगना चाहिए, वो भी कर्म कर रहा है, ये सब पूजा हो गई। फिर तो ऐसा नहीं है, पूजा वास्तव में ये है कि हम भगवान के लिए कर्म करें ना। भगवान ने जिस की बात करी भगवद गीता में वो कर्म योग है, कि अर्जुन योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर, यानी कि अपने कर्मों को मुझसे कनेक्ट कर। अपने कर्मों को भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? संग त्यक्त्वा, अपनी आसक्ति उसमें से निकाल दो। हमारे कर्मों में हमारी आसक्ति होती है, हम जॉब करने जाते हैं तो हमारी आसक्ति होती है कि हम पैसा कमाएंगे, उसका भोग हम करेंगे, हम करेंगे, हमारे परिवार वाले करेंगे। ठीक है, लेकिन जब इसी कर्म को ये भोग भाव निकाल दिया जाए, कृतत्व और भोक्तृत्व, ये 2 सिद्धांत होते हैं, कृतत्व और भोक्तृत्व। कृतत्व यानी कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैंने ये पैदा किया है, ये भाव निकाल के फेंकना पड़ेगा। और भोक्तृत्व, मैं ही इसको भोगूंगा क्योंकि मैंने किया है, इसके फल भी मैं ही भोगूंगा, ये भाव भी निकालना पड़ेगा। तो जीव को ये दोनों भाव निकालने पड़ते हैं, कृतत्व और भोक्तृत्व। और इसके जगह क्या लगाना पड़ता है कि भगवान करवाने वाले हैं, सब कुछ भगवान करवाने वाले हैं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। वहां कह रहे निमित्त मात्र भव सव्य साची, अर्जुन ऑलरेडी मार चुका हूँ सबको, हाँ ये तो तुझे जिला चुका हूँ, लेकिन तू निमित्त मात्र बन, मैं तुझे यश दे रहा हूँ कि कार्य तू कर। ठीक है ना, तो कृतत्व करने वाला कौन है? भगवान है। और भोक्तृत्व भोगने वाला स्वामी कौन है? मेरे कर्मों के फलों का स्वामी कौन है? वो भी भगवान है। तो ऐसा करेंगे तो वो पूजा बनेगा, लेकिन जस्ट जॉब पे जा रहे हैं वहां जाके अपनी पूजा विधि में लोगों से गाली गलौज भी कर रहे हैं, ठीक है, ईर्ष्या द्वेष भी कर रहे हैं, वहां पे बैकबाइटिंग चल रही है, एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है, गले काट प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो कह रही है हमारी पूजा है।
नहीं, ये कैसे पूजा हो सकती है? और कोई प्रश्न है कि भक्त का परिवार सहित इंस्टॉल क्यों नहीं किया गया है? एक्चुअली वो जो स्थान है वो राम जन्म भूमि है ना, तो वहां पे जन्म की महत्ता है और वहां पे रामलला की ड्यूटी वहां पे लगाई जाती है। तो राम दरबार जब होता है उसमें सीता माता होती है, उसमें भाई भ्राता लक्ष्मण होते हैं, हनुमान जी होते हैं, तो ये बाद की लीला के भाग है, ठीक है ना। लेकिन जो रामलला है क्योंकि वो बाल रूप में है, ठीक है, इसलिए उनको अकेला रखा गया, ठीक है, क्योंकि वो जन्मभूमि है, वहां पे रामलला का महत्व है। जैसे गोकुल में हम जाएंगे तो वहां कृष्णा के व्यस्त रूप के डिटीज नहीं मिलेंगे, वहां पे कृष्णा छोटे छोटे ही मिलेंगे, लड्डू गोपाल के रूप में दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो स्थान के कारण वो जिस स्थान पे जो लीला हुई है उसी से संबंधित विग्रह स्थापित किए जाते हैं। हैव कम अक्रॉस एन इम्पर्सनलिस्ट हु इज वेरी थैंकफुल टू एवरी वन, फुल ऑफ थैंकफुल एटीट्यूड प्रभु जी, टू पीपल, टू नेचर, बट यस दे आर येट टू प्रोग्रेस टू पर्सनल फॉर्म ऑफ द गॉड। यस, अगर फिर भी थैंकफुल हैं अगर वो लोग, तो भी उनका कल्याण हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, थैंकफुल होता है, उसके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, वो चीजों को ग्रहण कर लेता है, आने देता है अंदर। जब आने देता है, रिसीव करता है, तो फिर उसके अंदर कोई ना कोई वैष्णव कभी ना कभी भगवान के प्रति जो श्रद्धा है उसका बीज बो देगा। और वैसे भी हर जीव के अंदर भगवान के प्रति प्रेम का बीज बोया हुआ है ऑलरेडी, है ना। कृष्ण नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुना, श्रवण आदि शुद्ध चित्त का रे उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, नित्य सिद्ध है कृष्ण का प्रेम जीव के हृदय के अंदर स्थापित है, ठीक है। लेकिन बस करना क्या है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त। तो वैष्णव आएगा, कुछ उसको बोलेगा, वो श्रवण करेगा या उसको कुछ सेवा में एंगेज करेगा, तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही होता है। क्या और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? हम मानते हैं कि भगवान के बगैर एक पता भी नहीं मिलता, तो फिर इतने सारे धर्म कैसे बने? भगवान ने फिर रोका क्यों? इतने आदमी लोग पापों में विघित कैसे होते, फिर इन पापों को भगवान ने रोका क्यों? तो मन में कभी कभी चलता है कि हम लोग इतना ज्ञान कभी है नहीं, किसी के सुन के खराब हो तो हम लोग यहाँ अर्जित करें। ओके प्रोजी, थोड़ा मुझे आपका प्रश्न कम समझ में आया, थोड़ी आवाज कम आई थी, लेकिन मुझे समझ में ये आया कि भगवान की इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं मिलता, तो फिर कैसे इतने सारे पंथ, इतने सारे धर्म, इतने सारे उल्टी सीधी चीजें हो जाती हैं, यही प्रश्न है ना प्रभु? हरे कृष्ण रोहित पर। हाँ जी, ओके ओके प्रभु जी, तो आप म्यूट कर लीजिए। तो बहुत अच्छा प्रभु जी का प्रश्न है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं मिलता, और ये प्रभुपाद अपने एक परपोर्ट में भी लिखते हैं, मुझे याद नहीं, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो एक्चुअली भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि पत्ता नहीं हिलता, मनुष्य थोड़ा सा हिल जाता है, क्योंकि भगवान ने जीवों को, समस्त जीवों को, हर जीव को, चाहे पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, देवी देवताओं, सबको एक सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है, एक सटल लेवल पे उनको एक इंडिपेंडेंस दी है कि वो अपनी चॉइस खुद कर सकते हैं, जब उनके सामने परिस्थिति आए तो उसका चुनाव कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके सामने कोई परिस्थिति आई और उस परिस्थिति में आपको सही गलत का चुनाव करना है, तो आप अपने विगत संस्कारों के आधार पर या अपनी इच्छा के आधार पर या प्रकृति का जो गुण उस समय आपके ऊपर हावी है, उस आधार पर हम उस परिस्थिति में अपने कर्म का चुनाव कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्म स्वतंत्रता भगवान ने दी है। बाकी ओवरऑल जो उस प्रकृति में सबको चलायमान है, वो प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्यरत है, सब कुछ प्रकृति के तीन गुणों में हो रहा है। लेकिन जैसे ही भगवान, क्योंकि भगवान एक सूक्ष्म स्वतंत्रता देते हैं, इसलिए वहां पर क्या होता है, जीव थोड़ा सा डिफर कर जाता है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, अच्छा चुनाव भी कर सकता है, गलत चुनाव भी कर सकता है। अगर भगवान नहीं देंगे ऐसा, सबसे अच्छा अच्छा ही करवाएंगे, तो हम लोग फिर एक मशीन के जैसे हो जाएंगे, है ना। भगवान ने सब सनातनी बना दिए, सब हिंदू बना दिए, सब भक्त बना दिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ भगवान ने, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भगवान ने सारी मशीनें बना दी, ठीक है ना, उनके अंदर एक ही प्रोग्रामिंग फीड है। लेकिन जब भगवान जी को स्वतंत्रता देते हैं, तो भगवान एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी अपनी इच्छा से मेरा भक्त बने, मेरी उपासना करे, है ना, मेरे अंदर अपना मन लगाए, मेरी भक्ति करे। और इच्छा से क्या हुआ, ये जो प्रेम है, भगवान के साथ संबंध है, वो ज्यादा सुख देता है। जैसे अगर हम बॉलीवुड मूवी देखें, कई बार एक विलन जो होता है वो एक्ट्रेस के सिर पे बंदूक रख के उससे शादी कर लेता है जबरदस्ती, लेकिन जो
उसका प्रेम ही होता है, वो प्रेम से अपनी भक्तिमय सेवाओं से उसका जीत हृदय जीत के उसके साथ शादी करता है। तो प्रेम किसको मिलता है वास्तव में, उस स्त्री का, उसको मिलता है जो प्रेम से प्रेम को जीतता है, अपनी इच्छा से, है ना, इच्छा से जीता हुआ प्रेम होता है वो। लेकिन बंदूक पे रख, बंदूक की नोक पे कर रहा है, उसको प्रेम नहीं मिलेगा। तो भगवान ने भी कंप्यूटर नहीं बनाया, हम सबको कंप्यूटर नहीं बनाया कि सब सनातनी हो जाओ, सब सब भक्त बन जाओ, सब मेरे शरणागत हो जाओ। नहीं, भगवान ने चॉइस दी कि तू देख ले, तेरे सामने चॉइस है, या तो भक्त बन जा या धक्के खा, ठीक है, या तो कृतज्ञ हो जा या तो फिर अपना भाग्यहीन हो जा। तो भगवान ने चॉइस दे रखी। तो कोई व्यक्ति सुन सुन के सीख लेता है, और कोई व्यक्ति मार खा खा के सीखता है, और कोई व्यक्ति मार खा खा के भी नहीं सीखता। तीन तरह के लोग होते हैं, है ना, प्रभुपाद बताते हैं कई बार कि तीन तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति को खाली इतना बताना बहुत होता है कि चोरी करना अपराध है और चोरी करोगे जेल में जाओगे, तो कभी चोरी नहीं करेगा। दूसरा व्यक्ति एक बार चोरी करता है, फिर जेल जाता है और सीख लेता है, भैया बड़ा बुरा काम है, नहीं करूंगा आइंदा से, बहुत पिटाई लगी। और तीसरा व्यक्ति इस तरह का होता है, बार बार चोरी करता है, बार बार जेल जाता है, बार बार पिटता है, फिर बार बार चोरी करता है, ठीक है। तो अलग अलग लेवल के लोग होते हैं, अलग अलग चॉइस के आधार पर, ठीक है। तो भगवान का ओवरऑल सब जगह नियंत्रण है, क्योंकि प्रकृति के गुण जो है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उनके उनसे प्रेरित होकर उनके साथ जो हमारी चेतना मिक्स होती है, तो फिर हम अपनी उस सूक्ष्म स्वतंत्रता का उपयोग करके छोटे मोटे कर्म, चुनाव हमारे इधर उधर कर सकते हैं, है ना। आप ये चुनाव कर सकते हो कि आपको अभी खाना नहीं खाना, ठीक है, लेकिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, और वहां पे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो छोटी स्वतंत्रता दी भगवान ने, बड़ी स्वतंत्रता नहीं दी, छोटी स्वतंत्रता दी, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, बहुत सुंदर से समझाया प्रभु, तो जी बहुत सुंदर से समझाया। एक प्रश्न हमारा और है, और हमारा जैसे हम भक्ति में करते हैं भगवान के, हम लोग जितना हो सकता है सेवा करते हैं, माला करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे आदमी को हम कोई पैसा मांगता है तो पैसा उसको देते हैं और लेके भाग जाता है। तो हमारे में मन में आता है कि फिर हमको भगवान उस टाइम हमको रोकते क्यों नहीं, कि मतलब कि इसको मत दे, चाहे तो पैसा नहीं चाहिए, तेरा पैसा डूब जाएगा। ओके, आपकी आवाज कम है, मैं अभी रिपीट कर देता हूँ, आप भी बता देना और बाकी सब लोगों को भी समझ में आ जाएगा। प्रभु जी का प्रश्न बहुत अच्छा है, ये कह रहे कि हम लोग तो भक्त लोग हैं और फिर भी कई बार क्या होता है कि कोई हमारे पैसे लेके भाग गया, हमें नुकसान लग गया, तो क्यों नहीं भगवान को प्रेरणा देते कि इधर से डील मत कर, उधर से डील मत कर, तेरा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्यों नहीं भगवान प्रेरणा देते, क्यों नहीं कृपा कर रहे हमारे ऊपर? तो इसका उत्तर ये है प्रभु जी कि हमने भगवान की कृपा को, जो हमारी देखने की दृष्टि है वो ठीक नहीं है। हम भगवान की कृपा को देख रहे हैं लाभ से, लाभ है तो कृपा है। हम भगवान की कृपा को देख रहे हैं जय से, कि जय है अगर हमारी तो कृपा है। भगवान की कृपा को देख रहे हैं कि सुंदर सर्दी वर्दी वाले वातावरण से, जो हमको कंफर्टेबल, उससे। वास्तव में भगवान की कृपा को एक भक्त जो है वो हर परिस्थिति में अनुभव करता है। कोई पैसा आ गया, भगवान की कृपा है, है ना, आ गया। कोई पैसा चला गया, भगवान की कृपा है कि मेरा कुछ कर्म पेंडिंग था, मेरा कुछ उधार था किसी का, वो निकल गया, भगवान ने मेरे को एक बुरे कर्म से और फ्री कर दिया, वरना पता नहीं बाद में मेरे सामने आता तो मुझे एक जन्म और लेना पड़ता। तो ये जगत देखो द्वैतताओं से भरा हुआ है, अगेन बात वही आ रही है, वही घूम के, ये जगत द्वैतताओं से भरा हुआ है। सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सब कुछ डुअलिटीज है, इनको बोलते हैं द्वैतता। तो इसका मिक्सचर इस जगत में रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कितने कितने अच्छे से अच्छे भक्त भी क्यों ना हो जाओ, लेकिन अगर अच्छे से अच्छे भक्त हो गए तो इन द्वैतताओं में, दोनों में ही भगवान की कृपा का दर्शन करोगे। और उस स्थिति पे भगवान हमको लाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि इस स्थिति पे कि अब तुम ठीक है, तुम भक्त बन गए, चलो अब तुम सुख हो जाओ, सुखी हो जाओ, समृद्ध हो जाओ और मजा करो। फिर तुम भूल ही जाएंगे भगवान को, अगर इतने भोग ऐश्वर्य में पड़ जाएंगे, भोग ऐश्वर्य पड़ सकता ना, हम जब जीवन में सब कुछ सही से ही चल रहा है, हर इच्छित वस्तु हमें मिल रही है, तो फिर भगवान की जरूरत कहाँ है? फिर तो अपन ही चाहे भगवान है ना, हम खुद ही भगवान है फिर तो। ईश्वर हम भोगी, सिद्ध हम बलवान सुखी, इसमें क्या बोला गया, ईश्वर मैं हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बलवान हूँ। तो जिसके पास सुख होता है, शक्ति होती है, समृद्धि होती है, वो फिर अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं। इसलिए भगवान अगर द्वैतता का अनुभव करवा रहे हैं, थोड़ा सुख देते हैं, थोड़ा दुख देते हैं, तो अच्छा भक्त जो होता है वो उसमें दोनों में इक्वली भगवान की कृपा का दर्शन करता है।
और जो और ऊंचे होते हैं वो तो दुखों में ज्यादा कृपा का अनुभव करते हैं, जैसे कुंती महारानी, विपदर्शन तुताश्व तत्र तत्र जगत गुरु भवताम दर्शन अध्यात अपुनर्भव दर्शन। भगवान विपदाएं ज्यादा अच्छी हैं, विपदाएं थी तो आप आते रहते थे ठीक है, और अभी विपदाएं चली गई, अभी युधिष्ठिर राजा बन गया तो आप जा रहे हो, तो बेकार है। इससे अच्छा तो विपदाएं थी, आप आते रहते थे, आपका स्मरण होता रहता था, और आप आते रहते थे आपका स्मरण होता रहता था, इसलिए हमारा अपुनर्भव दर्शन, हमारा भव दर्शन भी खत्म हो जाता। लेकिन अब ये सुख आ गए तो आप जाने की बात कर रहे हो, तो बेकार है सुखों पे लाने पे। तो भक्त का ये मेंटल लेवल होता है, हमको चेतना को वहां ले जाना है, और वहां ले जाएंगे ना तो फिर भगवान फिर वो भी कर देंगे कि आपको प्रेरणा दे देंगे, कोई आपका पैसा ना खाए, ये ना करे, वो ना करे, बट इट्स कृष्णाज इट्स कृष्णाज विल, उनका ओन डिस्क्रेशन है ये, वो दे ना दे, लेकिन हमें नहीं चाहिए होता, हमें फर्क नहीं पड़ता, तो उस लेवल पे आना है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी भागवत गीता में भगवान ने खुद ही कहा है कि स्मृति और विस्मृति मुझे से आती है। प्रभु जी हमको 700 श्लोक तो छोड़िए, हमें 35 श्लोक 15 श्लोक भी याद नहीं हो रहे, क्या करें प्रभु जी, पूरे ट्राई कर लिए बट एक दिन याद करते हैं अगले दिन भूल जाते हैं, फिर वो अरे ये याद तो था, फिर ये ऐसे क्यों हो रहा है प्रभु जी, हम पूरी कोशिश करें फिर भी हमें याद नहीं हो रहा है, कुछ हमारी भक्ति में कमजोरी क्या है प्रभु जी। हरे कृष्णा, नहीं भक्ति में कोई कमजोरी नहीं है आपकी, एक्चुअली ज्ञान जो है ना, दिव्य ज्ञान एक साधारण किताब की तरह नहीं है, है ना, हम जैसे साइंस की किताबें खोले, हिस्ट्री की किताब खोले और तुरंत तुरंत हमने रट लिया, जिसकी बुद्धि तेज उसने जल्दी जल्दी रट लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े से बड़े बुद्धिमान भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि दिव्य ज्ञान तब खुलता है, दिव्य ज्ञान अपने आप खुलता है, वो अपने आप को, क्योंकि दिव्य ज्ञान जो है गीता भागवत का ज्ञान है, साक्षात भगवान ही है, ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण पे अभिन्न है, भगवान की वाणी में और भगवान में क्या फर्क है, भगवान के क्रियाकलापों जो जो भागवत में दिए हैं भगवान की लीला, इनमें और भगवान में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। तो ये अपने आप खुद खोलते हैं ना, हम प्रकाश है सर्वस्व, भगवान कह रहे हैं मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता सबको, है ना, लोग माया से ढक के रखते हैं, तो भगवान खुद ही प्रकाशित करेंगे, वो कब करेंगे, जब आप दिखाओगे भगवान को कि भगवान हम आपके ज्ञान का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हम सेवाओं में ज्ञान को लगा रहे हैं, उन सेवाओं से फिर प्रचार हो रहा है, तो भगवान स्फुरित करेंगे, फिर पता चलेगा, आप एक बार सुनोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, दो तीन बार सुनने में याद हो जाएगा, आपको याद करने की सेपरेटली कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो श्लोक आपको याद है या जो आपको ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन याद है, उनके माध्यम से आप प्रचार करने में लगो, लोगों को उनसे एजुकेट करो, और जब आपके मुंह पे बार बार आता रहेगा भगवान समझ जाएंगे कि ये अब मेरे काम के लिए निकल पड़ा है। तो जब हम किसी बड़े व्यक्ति का काम करने जाते हैं तो बड़ा व्यक्ति सारे रिसोर्सेज देता है, जैसे भारत सरकार की तरफ से हम लड़ने जाएं भारत देश की तरफ से, तो फिर वो हमको AK-47 देंगे, बड़ी बड़ी गन्स देंगे, तोप देंगे, मिसाइल देंगे। तो वैसे जब हम भगवान की तरफ से कोई कार्य करने जा रहे हैं, प्रचार करने जा रहे हैं, तो भगवान से सारा उसको हैंडल करने के लिए जितना सामान चाहिए, है ना, दिव्य ज्ञान चाहिए हमको, शरणागति चाहिए, वो सब दे देंगे, ठीक है ना। तो हमको एक्टिवली सेवाओं में लगना पड़ेगा, प्रीचिंग में लगना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो फिर आप देखो कैसे जल्दी जल्दी होता है। हालांकि सिंपल तरीका ये भी है, सिंपल आंसर कई बार पूछते हैं महाराज से, तो महाराज ये भी बताते हैं कि ठीक है याद नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, ट्रांसलेशन समझ लो, याद कर लो, लिख लिख के याद करो, अपने आईने के सामने खड़े रह के याद करो। लेकिन मुझे लगता है आप इंटेलिजेंट है, आप ये सारे चीजें ट्राई कर चुके होंगे, लेकिन अल्टीमेट यही है कि जितना दिव्य ज्ञान को आप फैलाओगे, अपने मुंह से निकालोगे, लोगों को सिखाने में बताने में उसको सेवाओं में यूज करोगे, उतना ज्यादा दिव्य ज्ञान हृदय में आपके अपने आप प्रकाशित होगा, ठीक है। उतना आप सुनोगे, सुनते ही आपको याद होगा, सुनते ही याद आप लिंक कर पाओगे चीजों को। हम क्या कह रहे हैं, 10वां अध्याय 10वां श्लोक, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं च, है ना, तो देने वाले तो भगवान है, ददामी मैं देता हूँ, किसको देता हूँ, तेषां सतत युक्ता नाम, जो सतत लगे हुए सेवा में लगे हुए, उनकी चेतना में मैं बसा हुआ हूँ, तो ददामी युद्ध बुद्धि योगम, अर्जुन उसको मैं बुद्धि दूंगा योगम, कि मेरे साथ कैसे कनेक्ट करना है, मेरी वाणी ये जो है भगवत गीता है, भागवत है, ये श्लोक है, ये सब रटने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो बुद्धि स्पेशल बुद्धि भगवान देंगे। तो भगवान देते हैं, हमारे एफर्ट से कुछ नहीं, हमको एफर्ट करना है भगवान को प्लीज करने में,
फिर भगवान दे देंगे, ठीक है ना माता जी? ओके प्रभु जी, क्योंकि किसी ने कहा नहीं भक्ति शास्त्री कोर्स कर लो उसे याद आएंगे। मैंने कहा भक्ति शास्त्री कोर्स में कोई दिमाग खोल के अंदर थोड़ा डाल देंगे, वो याद तो हमें ही करने पड़ेंगे ना। अभी मेरे दिमाग में डाउट आ रहा था प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, इसमें एक चीज ऐड करो, भक्ति शास्त्री कोर्स में हमें करना पड़ेगा, कोई दिमाग में थोड़ा डाल देगा। नहीं, दिमाग में डाल देंगे भगवान, ऐसी बात नहीं है। जो श्रवण बढ़ता है ना और कीर्तन बढ़ता है, ये जो कॉन्सेप्ट आप लेके चल रहे हो ना, मुझे ही करना पड़ेगा, इसी वजह से याद नहीं हो रहे, ठीक है? आपको ही डालना नहीं पड़ेगा, भगवान डालते हैं। कोई भी भक्त जब भक्ति करता है ना, तो काफी हद तक 1-2 साल 4 साल तो ऐसे ही फ्लो में रहता है, उसको कुछ याद वाद नहीं रहता, बस वो लगा रहता है, उसको फिर याद होने लगता है। कोई भी यहाँ पे प्रचारक है, ऐसे नहीं उसको पहले साल सारे श्लोक याद हो जाते हैं, नहीं होते, 20 बार पढ़ते तब भी नहीं होते। और इस कॉन्शियसनेस से करोगे कि हमें ही करना पड़ेगा, अपने को ही करना पड़ेगा, तो फिर भी नहीं होंगे। तो ये तो अपना पद तो हटाना ही है। तो ये कॉन्सेप्ट, हाँ, भक्ति शास्त्री करो और ध्यान से करो, भगवान आपको प्रेरणा देंगे, ये करो, ये भावना होनी चाहिए। जो आप जियो, आप भावना बढ़ो, अपने को ही करना पड़ेगा, यही तो प्रॉब्लम है अभी तक। यही तो लग रहा है कि अपने को करना है, अपने को नहीं करना, अपने को प्रयास करना है। भगवान राम जब सेतु बना रहे थे सारे लोग, तो सब लोगों ने सेतु बनाया। अब पहले कौन चले, क्योंकि सेतु तो पत्थर पे था, पत्थर टिके हुए टेढ़े मेढ़े लग रहे थे, तो भगवान आगे चले। जैसे भगवान ने पहला कदम रखा, तो सारे के सारे नीचे से सांप मगरमच्छ और जो भी मछलियां जो भी पानी के अंदर थी सब ऊपर आ गई, और उन्होंने उसको पत्थर को चिपक गई पत्थर से, तो पत्थर टाइट हो गया, पत्थर टाइट हो गया और पत्थर फैल गया, फैल भी गया। तो फिर सबने देखा, तो सबने बोला प्रभु आप कुछ भी कर सकते थे, आपने पहले क्यों नहीं किया? तो भगवान कहते हैं, वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि भगवान कहते हैं तुम पुरुषार्थ तो करो, कृपा तो मैं करूंगा ही, ठीक है ना? तो पुरुषार्थ करना है हमको, कृपा भगवान करते हैं। और स्मरण की जहां तक बात रही, स्मरण एक बाय प्रोडक्ट है, वैसे तो मेन प्रोडक्ट है, लेकिन श्रवण और कीर्तन का बाय प्रोडक्ट है, और वो हमको अटेन करना है। मेन प्रोडक्ट वही है, श्रवण करते रहोगे, कीर्तन करते रहोगे, श्रवण करते रहोगे, कीर्तन करते रहोगे, स्मरण रहेंगी चीजें, तो बार बार करना चाहिए। तो ये अपने को करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आप भक्ति शास्त्री करो, बिल्कुल करो, ज्वाइन करो, एडमिशन लो, और याद करना पड़ेगा, अपने आप होगा आपको। भगवान पे आश्रित हो जाओ, आश्रय भगवान का लो, अपनी अपने कैलिबर का, अपने योग्यता का आश्रय मत लो। निराकारवाद वाली वाले यही तो करते हैं, अपनी योग्यता का आश्रय लेते हैं, साकार वाले भगवान का आश्रय लेते हैं। प्रगति होती है लेकिन देर से होती है, ऐसा होता है। तो भगवान जब देखते हैं हम शुद्ध होने लगते हैं, तो भगवान ही स्मरण कराते हैं, तो भगवान ही आपको याद कराएंगे अपने आप को। हमारे में थोड़ा शक्ति है, अंत समय भी भक्त कभी भगवान को प्राप्त नहीं करता, भगवान ही भक्त को प्राप्त करते हैं अंत समय तक। तो अंत समय भी भगवान ही प्राप्त करते हैं। तो भीम जी के पास कौन गए, सॉरी भीष्म पितामह के पास, भगवान ही तो गए। भीष्म पितामह ने थोड़ा भगवान को प्राप्त किया, भगवान ने उनको प्राप्त किया। मीरा के पास कौन गए, भगवान गए। नरोत्तम ठाकुर के पास कौन गए, भगवान गए। हर भक्त के पास भगवान जाते हैं। नरसिंह मेहता के पास 56 बार भगवान है, भगवान ही जाते हैं, भक्त नहीं जाता, भक्त में इतनी योग्यता नहीं है। तो हमारे अंदर कोई करने की योग्यता नहीं है, भगवान ही कराते हैं। लेकिन यही समझने में पूरा जीवन निकल जाता है, पूरा जीवन, क्योंकि हमारे पास सामर्थ्य है, ठीक है? तो इसलिए आप करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए अपने को करना है, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ एडमिशन लेना, बाकी सब कृष्णा करेंगे, सब करेंगे, भगवान ही करेंगे, गारंटी। प्रभु जी वो एक्चुअली भक्ति शास्त्री क्लास ले रहे हैं, तो सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग वो होता है सेशन, तो उसमें वो जो सिखाया जाता है उसका एक या दो श्लोक डेली लेते हैं, ऐसे करके हमें सिखा तो रहे, कह रहे पहले आप ये सीख लो तब करना, कि 35-40 लोग तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं। आपको हो जाएगा, हो जाएगा, आप करोगे हो जाएगा। अब आंखें बंद करो, भगवान के आगे जाओ, थोड़ा प्रार्थना करो, भगवान के दर्शन करो, आंखें खोलो, फिर भगवान को बंद करो, फिर खोलो, बंद करो, दर्शन करो, दर्शन स्मरण करो, दर्शन करो स्मरण करो। सबसे पहले याद करने के लिए पहले एक चीज याद करो, भगवान के दर्शन याद करो सबसे पहले। ये बिल्कुल राइट प्रोसेस, भक्ति सिद्धांत कहता है इफ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग श्लोका द बेस्ट वे यू गो टू गो फ्रंट ऑफ द डीटीज एंड लर्न डीटी फर्स्ट। भगवान को याद करो, कान पे क्या पहने, आंखें खोलो, कान पे या नाक पे या बंद करो, याद करो, इससे आपका स्मरण बढ़ेगा, स्मरण भी भगवान बढ़ाते हैं। तो अगर किसी को कोई चीज याद नहीं होती, अपने डीटीज के आगे जाओ, उनका दर्शन करो, उनकी आंखें देखो, बड़ी देर तक देखो, फिर बंद करो, फिर उसका अंदर स्मरण करो, फिर उनके चरणों को देखो, फिर उनकी ड्रेस को देखो, उनके मोती को देखो, माला को देखो, स्मरण करते रहो, ये प्रोसेस 15 दिन करो, उसके बाद याद करने का प्रयास करना,
150% याद होगा आपको, 150%। ठीक है, ये तरीका है, भगवान से शुरू करो, आपको पता चलेगा। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं होता कि चीजें छोड़ देंगे, याद नहीं हो रही। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी याद कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान शक्ति देते हैं, संसारिक ज्ञान लोग बच्चे इतना IAS IPS और ये सिविल सर्विसेज क्लियर कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, बस थोड़ा सा ध्यान चाहिए, ध्यान योग मजबूत करना पड़ता है, वो हम नहीं करते। हमारा ध्यान योग सबका वीक है, इसलिए सारी प्रॉब्लम है। तो ध्यान लगाने के लिए आप यू गो फ्रंट ऑफ योर DT, रिमेम्बर उनको 15 दिन तक, उनका उनको उनको ध्यान करो, उनका स्मरण करो, देखो उसके बाद फिर आपको कोई चीज याद नहीं होती, ऐसा होता ही नहीं है। 150% कोरे कागज पे लिखवा लो। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभुजी, थैंक यू सो मच। अब प्रभुजी आप, मुझे पता नहीं था आप क्लास में हैं कि नहीं, आप चले गए थे, तो पीछे भी जो प्रश्न हुआ प्रभुजी उसमें कुछ ऐड करना हो तो आप प्लीज ऐड कीजिए। हरे कृष्णा। नहीं नहीं पीछे आपने अच्छा ही किया होगा, क्या था क्या नहीं था बस आप करो। लेकिन इसे मुझे लगा कि थोड़ा सा हमें उनको बताना चाहिए, स्मरण बहुत जरूरी है और श्रवण कीर्तन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हर कोई हर कुछ कर सकता है ना। जो गुरु के भक्ति करता है वो लंगड़ा चलने लगता है, अंधा देखने लगता है और सब पर्वत तक पार कर जाते हैं। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हर कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रभु जी का प्रश्न है कि जो नास्तिक लोग होते हैं वो अपने आप को ही भगवान मानने लग जाते हैं और उनके अजीब अजीब से आइडियाज होते हैं और उन आइडियाज से वो लोग कुछ कुछ बोलते हैं, तो कैसे वो भगवान के लेवल तक आएंगे? तो आप अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो उनको प्रयास करो कि कुछ कुछ आप हल्का फुल्का उनसे कुछ सुकृति करवा सको, भगवान के कीर्तन में नचा सको, कुछ उनको प्रसाद खिला सको, क्योंकि हमारा ये किचन रिलीजन है तो लोगों को खाना पसंद होता ही है। तो कुछ भक्तों को अगर आप, कुछ लोगों को अगर आप भोग लगा के प्रसाद खिलाओगे तो उनके हृदय के अंदर थोड़ी सफाई होगी और भगवान के विषय में कुछ सुनने की, आपके तर्क सुनने की कुछ एक्सेप्टेबिलिटी आएगी। हाँ, उनसे बहसबाजी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय में देखा जाता है कि बहसबाजियां इतना काम करती नहीं है, है ना, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं ये लोग अपनी फिलोसफी को लेके, है ना। सुनने के लिए कोई एक्सेप्टेबिलिटी होती नहीं है, भगवान से ईर्ष्या द्वेष इतना करके बैठे होते हैं। तो अगर किसी का कल्याण करना है तो बेटर उनको कथा कीर्तन, कथा में तो नहीं बैठ पाएंगे लेकिन कीर्तन में, ठीक है, किसी धाम के लिए स्पिरिचुअल ट्रिप पे कि चलो ट्रिप पे चले, इस बहाने घूमने के बहाने से प्रसाद के माध्यम से, इस माध्यम से उनका कल्याण कर सकते हैं। आगे प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन प्रणाम। देखो निर्विशेषवादी का तो बहुत ही मुश्किल से प्रगति होती है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है वैसे तो, लेकिन हो भी सकती है। चतुर कुमार की हुई तो कहीं ना कहीं उसको भक्त चाहिए, कहीं ना कहीं उनको भगवान की कथा चाहिए। कथा और भक्त दो चीजें अगर नहीं है जीवन में, आपके जीवन में, तो फिर अगर मान लो आपके जीवन में कहीं कथा पड़ गई, जैसे शबरी, शबरी के पास भक्त नहीं थे, उन्होंने केवल जो जंगल में भागी तो छुप छुप के पेड़ों के पीछे कथा सुनती थी मतंग मुनि से, कथा तो थी, फिर कथा मिल गई तो ये समझ में आ गया कि करना क्या है। कथा मिलते ही भक्तों की सेवा शुरू कर दी, और वैसे कथा सुनी, भक्तों की सेवा शुरू करी और फिर गुरु मिल गए, और गुरु मिल गए तो फिर भगवान मिल गए। तो शुरुआत किससे हुई? कथा सुनने से। तो कईयों के जीवन में कथा पहले होती है, भक्त बाद में होते, कईयों के जीवन में भक्त आ जाते हैं और भक्त फिर कथा सुनाते। तो इसलिए चाहे एक निर्विशेषवादी हो चाहे कोई साकारवादी भी हो, भक्त और कथा का होना बहुत जरूरी है जीवन में, है ना। अगर ये दोनों चीजों मिसिंग है ना तो बहुत मुश्किल है उसकी प्रगति होना किसी भी स्टेज पे, चाहे वो क्या कहते हैं स्वर्ग में हो या किसी लोक में हो। तो जहाँ पे, और ये जो भारत भारत है और स्पेशली ये भूलोक है हमारा, धरती लोक है हमारा, पृथ्वी लोक है, यहाँ पर कथा और भक्त अवेलेबल है, अभी अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे भक्ति अवेलेबल है। दो चीजें यहाँ पे अवेलेबल होती है, वहां पर भक्ति होती है, तो इसलिए उन लोगों का बहुत मुश्किल है पार कर पाना, सीरियसली बहुत मुश्किल है। हमको उनके प्रति सहानुभूति है। तो ये अगर, और तीसरी एक चीज है कि उनसे कोई भक्तों की सेवा हो जाए, गलती भक्तों का संग नहीं है लेकिन कई लोग भक्तों की सेवा कर देते हैं, है ना, वो भी बहुत सुंदर विषय होता है कि भक्तों की सेवा कर दी, भक्तों के लिए कोई सेवा कर दी, उनको पानी पिलवाने के लिए प्याऊ बनवा दी, तो उससे ही प्रगति हो जाती है। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसे अनुष्ठान हम कभी मना नहीं करने चाहिए, क्योंकि क्या पता है इसी से भक्ति मुख सुकृति का जन्म हो जाए, लेकिन और कोई तरीका नहीं है। वो सोचे कि वो आगे प्रगति कर लेंगे मेहनत करके और पढ़ के, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भक्त नहीं होंगे, कथा नहीं होगी तो नहीं बढ़ेगा। कोई बता दे, कोई भगवान के चरित्र के बारे में बता दे, ये दोनों चीजें उनका होना बहुत जरूरी है। तो कई लोग, जैसे हमने
चरित्र देखा शबरी मैया का, तो शबरी मैया ने कथा सुनी मतंग ऋषि से छुप छुप के, और काफी दिन छुपने के बाद उन्होंने फिर ये निर्णय किया कि सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करते करते पकड़ी गई और मतंग मुनि ने उनको अपनी शिष्य बना लिया। तो इसलिए सेवा जरूरी है, भक्त जरूरी है, तो इसलिए कोई निर्विशेषवादी है कुछ भी है तो भक्ति करो। हम अभी जयपुर गए, दौसा गए, तो हमने देखा वहां पे एक बहुत ही ज्यादा समाज है, शरीफ लोग है। हमें पता है कि राजस्थान हरियाणा ये बाबा बापू चले जाते पूरा पूरा गांव हड़प लेते, तो वहां पे हमने ये कथा करी कि निराकारवाद बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। वहां पे निराकारवाद वालों के स्टेटमेंट मैंने रोडों पे लिखे हुए पड़े, ठीक है ना। एक सनातन धर्म मंदिर से हम रस्ते से जा रहे थे तो वहां पर बाहर एक निरंकारी बाबा का फोटो था, वो तो इसका मतलब मंदिर भी अलाउ कर रहे हैं उनको, क्योंकि मंदिर को भी ज्ञान नहीं है। तो ये लोग पूरा गांव हड़प लेते हैं, पूरा हड़प लेते हैं। लोग सरल है, सिंपल है, तो उनका कुछ होता नहीं है। ये बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोगों को उन लोगों को भक्तों का संग देना जरूरी है। बड़ी बड़ी सिटी में जरूरी है उतना प्रचार छोटे छोटे शहरों में बहुत जरूरी है। तो हमने देखा शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में पूरा पूरा कस्बा बदलता है, पूरा पूरा शहर बदलता है। साथ एक चीज को फॉलो करते हैं, हमको इस पे फोकस करना चाहिए। मेरा बहुत मन गया, इस बड़ा दिमाग गया कि हमें ऐसा प्रचार होना चाहिए पूरे पूरे कस्बे में। ये पूरे इकट्ठे आते हैं, ये एक दो चार दस नहीं आते, ये इकट्ठे आते हैं हजार सौ, तो उससे बहुत प्रचार होता है। फिर वो साथ में जब हजार होते हैं तो हजार साथ को बदल देते हैं। क्रिश्चियनिटी अभी बहुत पॉपुलर हो रही है पंजाब साइड में, क्यों पॉपुलर हो रही है, उन्होंने यही किया, कस्बों में चले गए पूरा पूरा कस्बा ही बदल दिया। हम जब फिरोजपुर के पास में एक दो जगह थी, उनका नाम था मैं भूल गया क्या नाम था, एक मिनट, तो वहां पे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 3,000-2,000 लोगों का पूरा गांव का गांव क्रिश्चियन बन गया। 1,000 लोग क्रिश्चियन बन गए, हिंदू लोग क्रिश्चियन बन गए, जो सब लोग क्रिश्चियन बन गए, पूरा गांव बदल गया। और वो गांव किसी को एंट्री नहीं करने देता सनातनियों को, मंदिरों के अंदर बाइबल रख दी। आई वाज सरप्राइज टू सी, सरप्राइज टू हियर, एक्चुअली देखा तो नहीं, बाहर से देखा, चर्च बनने लग रही है वहां पे, इतनी सुंदर चर्च बन रही है। और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट क्या करेगी, मेजोरिटी है उनके पास, 2-3-4 हजार लोग है एक ही गांव के। क्योंकि भ्रमित करना आसान है, इसलिए प्रचार बहुत जरूरी है। इसलिए कोई निराकारवादी है वो कभी ठीक नहीं हो, बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, अनलेस अंटिल भक्त और कथा नहीं पहुंचेगी। इसलिए भक्त और कथा को पहुंचना चाहिए, भक्त को पहुंचना चाहिए, भक्त कथा लेके पहुंचता है, कथा पे भक्त नहीं आते। शबरी जैसे हर कोई कोई भाग्यशाली नहीं है, कथा और ये आ जाएंगे, भक्त को पहुंचना पड़ेगा वहां पे जाके कथा पहुंचाने के लिए, ये जरूरी है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, भक्तों को प्रयास करना पड़ेगा और भक्तों को जीना पड़ेगा, भक्तों को भक्ति बढ़ानी पड़ेगी, भक्तों को सेवा भाव पैदा करना पड़ेगा, भक्तों को अपने मजे से, भक्ति के मजे से आगे उठना पड़ेगा और भक्ति के कष्ट को सहना पड़ेगा। भक्ति का मजा, भक्ति का कष्ट भक्ति के मजे से ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हमें बहुत ही ज्यादातर लोग हमें दर्शन वर्शन ये मेरा मजा मजा मजा, अरे उससे कुछ नहीं होना, उससे किसी का हित नहीं होने वाला। मेरा दुख भगवान के कष्ट ही वास्तव में मेरा मजा है, उस कष्ट में जो मजा है वही वास्तव में भक्ति का मजा है, वही भक्ति का आनंद है। भक्ति का आनंद में नहीं है, भक्ति का आनंद भक्ति के कष्ट में है, यही तो सीक्रेट है भक्ति का। भक्ति का आनंद ही भक्ति के कष्ट से शुरू होता है, असली आनंद तो वही है जिसमें भक्ति में कष्ट होता है, क्योंकि इससे सर्व लोग हित रहता, इससे सब पूरे क्या पूरे समाज का हित होता है। इसलिए भक्त का विचरण ही इस भगवान का वितरण है, जब भक्त विचरण करता है तो ही भगवान का वितरण होता है। तो भक्त का विचरण ही, इधर उधर जाना ही भक्ति का वितरण है। भक्त को विचरण करना चाहिए, भक्त को प्रयास करते रहना चाहिए, उसी से निर्विशेषवादी और ये सब कुछ खत्म होगा, वरना नहीं होगा। अगर वो अपनी माला करता भी रहेगा तो अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएगा, बताओ कैसे। जो अपनी माला करेगा बाकी भी लोग प्रचार करेंगे, तो जो इतने लोग बढ़ जाएंगे तो उनको माला का करने देंगे, तुम अपना भी अपना माला करके तुम अपना ही अपने आप को नहीं बचा सकते। हाँ, लेकिन जब तुम भगवान का नाम का प्रचार करोगे तो तुम अपनी माला भी बचा सकते हैं और सब कुछ बचा सकते हो, क्योंकि जो समाज है वो भी तुमको तुम्हारे साथ प्रचार में लगेगा, तुम्हारे साथ फॉलो करेगा, तो तुम माला कर सकते हो। वरना तुम अपनी माला करते रहो, पता चले बाहर वाले प्रचार कर रहे हैं, तुम्हारे पड़ोसी को मुसलमान बना दिया, क्रिश्चियन बना दिया, वही तुम्हें नहीं करने देगा, फिर तुम भागोगे वहां से, एक तरीका है। तो प्रचार ही वास्तव में सबसे बड़ी भक्ति है, और वही सबसे बड़ा निराकारवाद का क्या बोलते हैं पाश्चात्य देश तारी ने, क्या है, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूत श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेष लोगों को शून्यवादी पाश्चात्य देश तारी ने उनको तार दिया। ये प्रभुपाद है, ये प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी ने भजन नहीं किया, उन्होंने सुभजन किया। इस भजन से कृष्णा को भजन
भजन ऐसा करो कि आपको आनंद ना आए, भजन ऐसा करो कृष्ण को आपके भजन से आनंद आए। हम भजन ऐसा करते हैं हमको आनंद आए, हमको दर्शन हो रहे हैं, हमारी माला बहुत अच्छी हो रही है ना, ठीक है वो भी अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा है कि कृष्ण के लिए भाग रहे हैं। सुभजन है ये, सुभजन सुभजन, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच सुरजी फॉर वंडरफुल एडिशन। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। गीतांजलि माता जी कह रही हैं, भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए और भगवान के प्रति समर्पण का क्या मतलब है? तो भक्ति हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी नेचुरल नेचुरल टेंडेंसी है भक्ति करना। हम लोग अगर जो आप किसी भी व्यक्ति को देख लो, वो किसी ना किसी की भक्ति कर ही रहा होता है। जो भगवान से देश पाले होते हैं वो किसी राजनेता की भक्ति कर रहा होता है, किसी अभिनेता की भक्ति कर रहा होता है, किसी खिलाड़ी की भक्ति कर रहा होता है, किसी मल्टी बिलियनियर की भक्ति कर रहा होता है, ठीक है, सेवाएं कर रहे होते हैं, समाज में सेवाएं करते हैं, देश में करते हैं, परिवार की सेवाएं करते हैं, इसके बिना कोई रह नहीं सकता। लेकिन यही भक्ति जब हम लोगों लोगों में करते हैं, अलग अलग जगहों पे करते हैं, तो हमको कोई संतुष्टि प्रदान नहीं करती। वो हमको उन लोगों से बस क्या मिलता है, धोखा मिलता है, विश्वासघात मिलता है, कोई आनंद मिलता नहीं, कोई हमारा कल्याण होता नहीं। लेकिन जब इसी भक्ति को, इसी हम नेचुरल टेंडेंसी को भगवान की तरफ डाइवर्ट करते हैं, भगवान में लगाते हैं, तो भगवान से हमारा पूरा रेसिप्रोकेशन होता है। क्योंकि कृष्णा जो है वो थैंकलेस नहीं है, उनके लिए हम जो करते हैं उसके उसका वो प्रतिकार करते हैं हमारे साथ रेसिप्रोकेट करके, हमारे हृदय में आनंद प्रकट करके। और वास्तव में सुख के लिए, आनंद के लिए तो सारी भागम भाग है, कौन दुख होना चाहता है, कोई दुखी नहीं होना चाहता, सबको सुख चाहिए। तो सुख मिलता है भगवान की भक्ति करके। भागवत में बोला जा रहा है कि वो मार्ग बताइए, ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, जिससे सारे जीवों का सुप्रसिद्धति, तुष्टि पुष्टि आनंद मिले। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सर्वे पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतु के अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। कि भगवान के ये जो भगवान श्री कृष्ण है अधोक्षज, उनकी अगर भक्ति करते हैं जो कि जीव का परम धर्म है, तो उससे क्या होता है, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, उससे जीवात्मा जो है संतुष्ट होता है, तुष्ट होता है, आनंदित होता है, उसको सुख मिलता है, ठीक है ना। तो भक्ति इसलिए हमको करनी चाहिए। बाकी प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे, जी आप बताइए। हरे कृष्णा। एक्चुअली गोकुलानंद, कई चीजें ना आप इतनी अच्छी बोलते हो, मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बार बार बोलते हो, आप बताइए तो मैं बताता हूँ। तो भक्ति एक्चुअली आत्मा का भरण पोषण है, लेकिन हम लोग सो कॉल्ड शरीर के भरण पोषण को, समाज के भरण पोषण को भक्ति कहते हो, भक्ति नहीं उसको पूजा उपासना कह सकते। भक्ति मीन्स भरण पोषण ऑफ सोल, आत्मा का भरण पोषण ही भक्ति है। जब आत्मा का भरण पोषण नहीं होता तो भक्ति नहीं होती। और इसलिए जो भी हमारी पद्धति है, जो भी हमारी विधि है, और जो भी हम करते हैं, वो भक्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें आत्मा का कोई कल्याण नहीं होता। तो भक्ति का मतलब यही है कि आप आत्मा का भरण पोषण, आत्मा को भरते हो, आत्मा का भरण पोषण करते हो, आत्मा की स्तर को बढ़ाते हो, तो दैट इज कॉल्ड भक्ति, ठीक है। बाकी जो भी कार्य कर रहे हो आप, हमारे हम बड़ी अच्छी भक्ति करते हैं जी, हमारी समाज सेवा, वो भक्ति नहीं है, पूजा उपासना पाठ है, कर्म कांड है, लेकिन भक्ति नहीं है। भक्ति तो भगवान से जुड़ती है, आपको प्रसन्नता देती है, भगवान को प्रसन्नता देती है, ठीक है। तो इसलिए भक्ति वास्तव में ही है, आपका आत्मा का विकास ही भक्ति है। कितना भी भक्ति बढ़ रही है तो आत्मा बढ़ रही है, आत्मा का कॉन्शियसनेस का स्तर बढ़ रहा है, ठीक है। लोगों को इसको इसके बारे में पता नहीं है, लोग सबको भक्ति कहते हैं, जैसे सबको भगवान कह देते हैं तो वैसे सबको भक्ति कह देते हैं, ये भक्ति नहीं होती। भक्ति में तो भगवान का होना है बहुत आवश्यक है, लेकिन मुश्किल ये है कि भगवान नहीं होते भक्ति में, तो इसलिए फिर वो भक्ति नहीं होती। तो भक्ति में भगवान का होना बहुत जरूरी है, भक्ति भगवान से ही शुरू होती है, और भक्ति का मुख्य विषय ही भगवान है। इसलिए भगवान को, भगवान की प्रसन्नता और आत्मा की प्रगति, ये भक्ति है। तो ये अगर हो रही है तो भक्ति हो रही है, ये नहीं हो रहा तो भक्ति नहीं हो रही। भगवान प्रसन्न हो रहे या नहीं हो रहे पता नहीं है, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है नहीं बढ़ रही पता नहीं, तो भक्ति भक्ति कुछ नहीं हो रही। पूजा उपासना ही करते हैं लोग, ठीक है। तो गुरु प्रसन्नता, भगवान प्रसन्नता ही भक्ति है, अगर एक शब्द में बोले तो, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, आपके सर्टिफिकेशन से ही हमारी कथा भी पूर्ण होती है और उत्तर भी पूर्ण होते हैं। आपके सर्टिफिकेशन भी ना सब अधूरा है। ऑब्वियसली गुरु जी, आगे कुछ क्वेश्चन हैं। गुरु जी, माता जी पूछ रही हैं कि जो गुरु जी हैं, गुरु जी को मानने वाले शिव जी सदा सहाय,
इनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, ये थोड़ा बताइए गुरु जी प्लीज। हरे कृष्णा बोलो। ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये तो एक भेड़ चाल है और कुछ नहीं है। भेड़ चाल तो लगी रहती है, जिनको कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, खाओ पियो मस्त करो और आध्यात्मिक बने रहो। ये बड़ा अच्छा, भगवान गीता में बोलता है इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हे अर्जुन, बहुत ऐसे प्रकार के लोग होंगे जो इच्छा से, अपनी इच्छा से और घृणा से कई द्वंद्व में रहेंगे, कई सारे धर्मों में रहेंगे। ये वैसे ही लोग है, कोई आधार नहीं है उनका, उनकी भक्ति किसी शास्त्र में मेंशन नहीं है। ये केवल और केवल ये मनोधर्म है, केवल मन से बनाया गया धर्म। इससे किसी का कल्याण नहीं होगा, इससे इनका इनका कल्याण तो नहीं होगा। ये गिर जरूर जाएंगे, गिरेंगे 100%, ये सब लोग गिरेंगे। और ऐसा गिरेंगे कि कहीं इनका कोई बोल वाला ही नहीं रहेगा। और ये कुछ टाइम का होता है, ये लोग कुछ टाइम आते हैं, जैसे साईं बाबा थे आज से 3-4 साल पहले इतने इतने रैलिश हो रहे थे, अब उनकी थोड़ी मार्केट फीकी हो गई, उनका कलेक्शन देखो, शिडी का कलेक्शन बहुत कम हो गया, 30% 40% रह गया। तो अब आजकल दिल्ली और हमारे NCR में गुरु जी का चला है, उनका कलेक्शन अच्छा। कुछ टाइम में कोई और आ जाएगा, उससे पहले निर्मल बाबा थे, उससे पहले संतोषी माता थी। ये लोग दो दो चार चार पांच पांच साल का एक स्पैम लेके आते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन भगवान सनातन है, धर्म सनातन है, जो भक्त है ज्ञान से भरे हुए ना, हम जो लोग गीता भागवत है ज्ञान से भरे हुए, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान ही अज्ञान। एनीवे वो उसमें फंसे हुए, अपना भौतिक चाहते हैं, और बाबा जी से ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, सारा मिल जाता है, मिलता मिला तो कुछ नहीं है। होता क्या, जब हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है ना किसी की भी प्रति, तो जो भी दुख आता है ना उसको सहने की शक्ति मिल जाती है। वो शक्ति जब मिल जाती है तो लगता है ये शक्ति जो है ये मिल गई, शक्ति नहीं मिल गई, ये तो स्वभाव है, श्रद्धा का स्वभाव है। किसी के प्रति भी श्रद्धा रखो, आपको शक्ति मिलेगी। बच्चे को माता के प्रति श्रद्धा रखते, माता के प्रति शक्ति रखते, मम्मी है ना, पापा है ना, ये है ना, वो है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है, मैं हूं ना, चिंता मत कर। पिताजी बोलते बच्चा कहता है पापा है ना, चलो चलो हम घूमते हैं, हम यहाँ करते हैं, वो करते हैं। यही है और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी गलत श्रद्धा है, गलत ज्ञान है, अज्ञान में हम जी रहे हैं। इसलिए कोई कहीं वर्णन नहीं है उनका, उनके कीर्तन भजन कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई शास्त्रीय नहीं है, कोई कोई उनके पीछे नहीं है, टोटल नॉनसेंस है उनका, कोई कहीं अस्तित्व नहीं है कहीं उनके बारे में, किसी पुराण आदि में, किसी गीता भागवत में उनके बारे में नहीं दिया गया। मूर्ख लोग फॉलो करते हैं तो करने दो, हमको क्या, जो करते हैं उनको करने दो, कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं है। हम तो वही मानते हैं जो शास्त्र कहता है ना, गीता में भगवान कहते हैं जो शास्त्र को नहीं मानता, शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते काम कर रहे, तो अपने मन से कुछ भी करते हैं ना, सिद्धि में वापन होती ना सुखम ना परम गति, ना सुख ना सिद्धि ना परम गति मिलती, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसे चलता है। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच प्रभुजी। हरे कृष्ण। आगे क्वेश्चन है, प्रभुजी फ्रेंड्स बोलते हैं कि एकादशी फास्ट अभी से क्यों रखती, आगे कैसे मैनेज होगा जब और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, उनको समझाना मुश्किल हो जाता है, झूठ बोल सकते हैं क्या कि नहीं रखते हैं? झूठ बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले आप एजुकेट करो उनको, बोलो कि क्या प्रॉब्लम है ना। सब लोग मैनेज करते ही है ना हर चीज, हम जब स्टूडेंट होते हैं, हमको हमको पढ़ाई करनी होती है, हमको बहुत अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, तो हम रात रात जागते हैं, तपस्या करते हैं। तो ये जो एकादशी है, ये तो माधव दीदि भक्ति जननी, ये तो हमें ये जो सारे जगत के पिता है, स्वामी है, उनके प्रति, उनको प्राप्त करने की इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न करती है, उनके प्रति भक्ति हमारे अंदर उत्पन्न करती है। तो इतना सा हम क्यों नहीं मैनेज कर सकते हैं? और प्रैक्टिकल लेवल पर भी देखा जाए तो ऐसा थोड़ी है कि हम कि अन्न ही खाना है और कुछ खा नहीं सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आज की एकादशी बुक आप देखेंगे उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं खाने के लिए, तो उन वो चीजें हम खा सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं कि हम ये चीजें खा सकते हैं, है ना। आप इसको साइंटिफिक लेवल पर भी लेके जा सकते हैं। अभी रिसेंटली 2 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने यही बोला था कि 15 दिन में एक बार फास्टिंग होना चाहिए कम्प्लीट, तो उससे भी लिंक करके उनको बता सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अगर उनको बताएंगे तो हो सकता है वो भी रखने लग जाए, ठीक है ना। तो झूठ बोल भी सकते हैं, लेकिन झूठ बोलने से पहले सही बोल के लोगों को एजुकेट करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम अगर ठीक एजुकेशन देते हैं तो चांसेस होता है सामने वाला जुड़ जाए, ठीक है ना, उसको भी महत्वता समझ में। बाकी प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। आगे सब चीज मैनेज होती है, आगे आगे बढ़ते हैं ना, जब शादी होती है तो समझ आते शादी कैसे मैनेज होगी, शादी मैनेज होती है, बच्चे कैसे मैनेज होंगे, बच्चे मैनेज होते हैं, बच्चों के बच्चों कैसे मैनेज होगे, वो भी मैनेज होते हैं। जब चीजें आगे बढ़ती है तो मैनेजमेंट भी वैसे ही बढ़ता है, मैनेजमेंट वैसा नहीं रहता, चीजें वैसे बनती है। तो ऐसे अभी आप सोचो, अभी मैं सोचता हूँ कि मैं बच्चा था, मुझे मैं तो मस्ती करता था, मुझे गीता भी आ गई,
कैसे मैनेज हो गया? जो किया तो मैनेज हो गया ना, हमें तो भागवत आ गई, हमको तो प्रचार करना आ गया, हमको तो फलाना आ गया, ये हमको कुछ भी नहीं आया, हमको हम कैसे डॉक्टर बन गए, हम तो सीए बन गए, हम तो फलाना बन गए, हम कैसे हो गया क्या? तो करते करते सब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, जो कोई जो जो कोई कार्य करता है करने लग जाता है, उसको आने लग जाता है ना। तो बचपन में सोच सकते हो कि बचपन में जो था मैं ऐसा था, तो मैं कैसे हो गया, ये कैसे कर लिया, कैसे हो गया। ठीक है, जब एक छोटा जब मैं बहुत छोटा था ना, जब मैं 5-6 साल का था, तो मेरे मन में एक पॉइंट आता था कि मैं पतंग नहीं उड़ा पाऊंगा, इतनी ऊंची कैसे उड़ा पाऊंगा। लेकिन जब मैं 8 साल का हुआ ना, तो मैंने सोचा मैं ट्राई क्यों ना करूं, मैं उनके लोगों का संग क्यों नहीं उड़ा सकता। 12 साल तक उड़ाने लग गया, बहुत अच्छी उड़ाने लग गया। लेकिन 12 साल की स्टेज में खड़ा था, तो 5 साल के बारे में जो सोच रहा था, अरे यार मैं तो सोचता था मैं उड़ा ही नहीं सकता, लेकिन अब तो मैं उड़ाने लग गया। तो सात सात जैसे साल बीतते हैं ना, वैसे अनुभव भी आता है। जैसे समय बीतता है ना, वैसे उस कार्य के प्रति शक्ति भी आती है। जैसे समय बीतता है ना, जिस कार्य में लगता है उसके प्रति ज्ञान भी बढ़ता है। आप एक चीज देख रहे हो कैसे आगे कर पाऊंगा, उसके साथ समय नहीं देख रहे, उसके साथ के ज्ञान को नहीं देख रहे, उसके साथ के संघ को नहीं देख रहे, उसके साथ की शक्ति को नहीं देख रहे। चीजें भी तो बढ़ रही है। जैसे आप आगे सोच रहे हो कैसे हो पाएगा, ये भी सोचो कि आगे बढ़ेगा, जब समय बढ़ेगा तो चीजें भी तो बढ़ेंगी। बच्चा फर्स्ट क्लास का बच्चा सोच सकता है मैं 12th की पढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन ये तो सोचे कि अभी नहीं कर सकता, लेकिन जब वो 11 साल बाद पढ़ेगा 12th में तो पढ़ पाएगा, क्योंकि बीच में 10 साल वो कुछ सीखेगा और सीखेगा तो वो कर पाएगा। इसलिए ये जो हम ये नहीं देख पा रहे ना पीछे, इसलिए हमको लग रहा है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। हम सब कर सकते, ऐसी कोई चीज नहीं है जो कोई नहीं कर सकता। हर कोई सब कुछ कर सकता है, हर कोई को सिर्फ अटेम्प्ट मारने अटेम्प्ट करना चाहिए हर चीज में। जब कोई बहुत ही करता है और अटेम्प्ट करते करते प्रैक्टिस करता है, तो परफेक्ट हो जाता है, उसकी रैंक बन जाती है, उसके पास मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच पूजी। हरे कृष्णा। हरे राम। ओके पूजी भाई, समापन करते हैं, कोई प्रेशर नहीं आई थी। वांछा कल्प करु वैश्य कृपा सिंधु देवज पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमन द्रुकोटि वैष्णवविंद की जय। जगदीशल प्रपात की जय। गुरु गुरांग की जय। प्रिय स्पेश की जय। भक्तों की जय।